तो जो हमारे पास में टाइप्स है नेबरशिप के, जो हम लोग नेबर डिस्कवरी करते हैं वो दो टाइप से करते हैं, डायनेमिक नेबर हो स्टैटिक नेबर, ठीक है। तो देखो अभी तक जो हम लोगों ने नेबरशिप बनाई थी ना वो डायनेमिक नेबरशिप थी, ठीक है। लाइक आप लोग क्या करते थे, आर वन है और आर टू के आगे एक आर टू जो है, आर वन जो है वो एक स्विच के साथ में अटैच्ड है और स्विच के साथ में दो लैन यूज़र भी कनेक्ट, सॉरी दो और राउटर भी अटैच्ड है, ठीक है। इस तरह से डिवाइस अटैच्ड थे, ठीक। इस इंटरफेस पे एक आप आईपी कॉन्फ़िगर करते थे लाइक 192.168.1.1। इस इंटरफेस पे भी हम लोग आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे थे 192.168.1.2 और इस इंटरफेस पे 192.168.1.3, ठीक है। और इन तीनों राउटर पे हम लोग EIGRP इनेबल कर देते थे। EIGRP इनेबल कैसे कर रहे थे, लाइक राउटर पे जाते थे, R1 पे आप यहाँ पे बोलते थे राउटर EIGRP, उसका AS नंबर, उसके बाद में आप राउटर के राउटिंग मोड में चले जाते थे और राउटिंग मोड में यहाँ पे आप लिखते थे नेटवर्क 192.168.1.0। तो जिस इंटरफेस पे 192.168.1.0 के नेटवर्क में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है वो इंटरफेस आपका EIGRP में एडवर्टाइज हो जाता था, उस पर EIGRP इनेबल हो जाता था। तो वो उस इंटरफेस से हेलो मैसेज सेंड करना क्या कर देता था, स्टार्ट कर देता था। और जो हेलो मैसेज आता था वो कैसे जाता था, मल्टीकास्ट जाता था ना, तो ये एक हेलो मैसेज सेंड करना स्टार्ट कर देता था। और ऐसे ही हम लोग इन दोनों राउटर पे भी क्या करते थे, EIGRP इनेबल करते थे। तो R1 क्या करेगा, जब हेलो मैसेज भेजेगा, मल्टीकास्ट भेजेगा, तो इसकी एक कॉपी स्विच जो है वो दोनों को फॉरवर्ड कर देगा। ये दोनों डिवाइसेज जो है वो एक हेलो मैसेज रिसीव करेंगे R1 से, है ना, उसमें वो अपनी के वैल्यूज और AS नंबर लगा के भेज रहा होगा। इसकी भी के वैल्यूज और AS नंबर क्या है, लाइक सेम है। तो ये क्या कर लेगा, इसको नेबर बना लेगा, किसको, R1 से। इसको इसको एक हेलो मैसेज रिसीव हुआ ना, तो इसका एक नेबर बन जाएगा कौन, R1, ठीक है। ऐसे ही R3 के पास में भी हेलो मैसेज आ रहा है R1 का, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, उस हेलो मैसेज के अंदर वो सारे कंपोनेंट लग के आ रहे हैं, काफ़ी सारी फील्ड्स लग के आ रही थी ना, काफ़ी कंटेंट्स थे उस हेलो मैसेज के अंदर। तो ये उनमें से क्या क्या चेक करेगा, के वैल्यूज और AS नंबर, और ऑथेंटिकेशन है कॉन्फ़िगर्ड तो उसको भी चेक करेगा। तो इस राउटर का के वैल्यूज और AS नंबर मैच हो जाएगा उसके साथ में, तो ये नेबर बना लेगा किसको, R1 को। ऐसे ही R2 भी क्या कर रहा होगा, R2 भी अपना हेलो मैसेज भेज रहा होगा, जो कि क्या जा रहा होगा, कैसे जा रहा होगा, मल्टीकास्ट, तो स्विचेस की कॉपी, बाकी सभी पोर्ट पे भेज देगा। तो R1 का एक नेबर बन जाएगा कौन, R2, और R3 का एक नेबर बन जाएगा कौन, R3 के पास में भी एक हेलो मैसेज रिसीव होगा, तो R3 का भी एक नेबर बन जाता था कौन, R2। ऐसे ही R3 भी क्या करेगा, R3 भी अपना एक हेलो मैसेज सेंड कर रहा होगा, जो कि मल्टीकास्ट रहेगा, स्विचेस की एक कॉपी दोनों राउटर को क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। तो ये अपने पास में इन्फॉर्मेशन रखेगा, इसका एक और नेबर है कौन, R3, तो इसके पास में भी उसका हेलो आ रहा है और इसका भी एक नेबर बन जाएगा कौन, R3। तो इनके नेबर बन जाएंगे, ये फुल मैश टोपोलॉजी बनेगी ना, ये फुल मैश टोपोलॉजी है ना। फुल मैश टोपोलॉजी से क्या मतलब है, R1 जो है वो नेबर बना हुआ है इन दोनों के साथ में, R2 इसके साथ में नेबर बनाई हुआ है, इसके साथ में भी बनेगा और R3 भी इसके साथ में बनेगा, मतलब इन दोनों, इन तीनों के बीच में क्या बनी हुई है, फुल मैश टोपोलॉजी बनी हुई है, है ना, फुल मैश में नेबरशिप जो बनी हुई है फुल मैश में बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो नेबरशिप जो अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये डायनेमिक नेबरशिप थी। कौन सी नेबरशिप थी, ये डायनेमिक नेबरशिप थी। हमने R1 को ये नहीं बोला कि R2 तुम्हारा नेबर है, या R1 को हमने ये नहीं बोला कि R3 तुम्हारा नेबर है ना। तो ये अभी तक जो हम लोगों ने नेबरशिप फॉर्म करवा के देखी थी वो कौन सी नेबरशिप थी, डायनेमिक नेबरशिप थी। अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिक नेबरशिप के बारे में। लाइक हम लोग एक काम कर सकते हैं, लाइक R1 है हमारे पास में और एक R2 है, ये दोनों राउटर एक सीरियल लिंक से या इथरनेट लिंक से एक दूसरे से कनेक्टेड है और यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 12.1.1.1 और यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 12.1.1.2। मैं अब बात कर रहा हूँ किसके बारे में, अभी तक जो हम लोग नेबरशिप देखते आ रहे थे वो कौन सी नेबरशिप थी, डायनेमिक नेबरशिप। अब हम लोग स्टैटिक नेबर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, आप इन दोनों राउटर पे जैसे ही आप EIGRP इनेबल करोगे, मैंने यहाँ पे भी EIGRP इनेबल कर दिया और इस वाले राउटर पे भी क्या कर दिया, EIGRP इनेबल कर दिया,
और इस इंटरफेस पे भी आप इस इंटरफेस को ईआईजीआरपी में एडवर्टाइज करवा दोगे। कैसे एडवर्टाइज करवाओगे? नेटवर्क कमांड से, है ना? नेटवर्क कमांड से इस इंटरफेस पे, इस इंटरफेस को ईआईजीआरपी में एडवर्टाइज करवा दोगे, ठीक है? तो ये इस इंटरफेस से हेलो मैसेज भेजने लग जाएगा ना, सेंड करना स्टार्ट कर देगा। और जो हेलो मैसेज सेंड कर रहा होगा वो कैसे सेंड कर रहा होगा? एज ए मल्टीकास्ट, है ना? चाहे सीरियल लिंक हो चाहे वो आपका इथरनेट लिंक हो, हेलो मैसेज कैसे जाता है? हेलो मैसेज हमेशा मल्टीकास्ट जाता है, ठीक है? तो ऐसे ही आर टू भी क्या करेगा, अपना हेलो मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो नेबरशिप बनेगी वो कौन सी बनेगी? डायनेमिक नेबरशिप बनेगी। अगर हम लोगों ने स्टैटिक नेबरशिप बनानी है तो हम लोग आर वन को मैनुअली आर वन पे जाके आपको बोलना पड़ेगा। आप क्या करोगे, आर वन पे इसके राउटिंग मोड में जाओगे, राउटर ई आई जी आर पी लाइक 100, और ई आई जी आर पी 100 में जाके राउटिंग मोड में जाके आप एक कमांड चलाओगे, क्या कि इसका एक नेबर है, कौन नेबर है इसका? एक 12.1.1.2 इसका नेबर है। और ये सीरियल, ये इंटरफेस कौन सा है? सीरियल 1/0 है। तो ये इस राउटर के कौन से इंटरफेस की तरफ है ये नेबर? अब ऐसा भी तो हो सकता है इस पे दो सीरियल इंटरफेस हो, तो ये जो 12.1.1.2 जो नेबर है वो इस इंटरफेस की साइड है या इस इंटरफेस की तरफ है, कौन सी तरफ है? तो यहाँ पे आपको इंटरफेस भी डिफाइन करना पड़ता है साथ में, सीरियल 1/0। और जैसे ही आप यहाँ पे स्टैटिक नेबर बोलोगे ना, अब ये जो अपना हेलो मैसेज भेज रहा होगा वो यूनिकास्ट भेज रहा होगा। अब जितने भी मैसेज आएंगे वो सारे के सारे यूनिकास्ट जाएंगे, चाहे वो आपका हेलो मैसेज हो चाहे कोई दूसरे टाइप का मैसेज हो, हर एक मैसेज आपका एज ए यूनिकास्ट जाएगा। तो इसको तो मैंने स्टैटिक नेबर बोल दिया, लेकिन सामने वाले को भी आपको फिर क्या बोलना पड़ेगा? स्टैटिक नेबर बोलना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप इस राउटर के राउटिंग मोड में जाओगे, राउटर ई आई जी आर पी 100, और इसको भी बताओगे इसका नेबर है कौन, 12.1.1.1। और इंटरफेस भी डिफाइन करना पड़ेगा, ये इस राउटर के कौन से इंटरफेस पे है, सीरियल 1/0 की तरफ है। तो ये इस लिंक से हेलो मैसेज जो है वो यूनिकास्ट भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। स्टैटिक नेबरशिप में हर एक मैसेज कैसे जा रहा होगा, यूनिकास्ट जा रहा होगा। तो ये काम तो आपका डायनेमिक नेबरशिप से भी, तो अरे नेबरशिप तो बनी रही थी डायनेमिक भी, तो स्टैटिक हम लोग कब फॉर्म करेंगे, क्यों फॉर्म करेंगे, किन केसेस में फॉर्म करेंगे वो बात कर लेते हैं। स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी हमें, ठीक है? अब देखो R1 था हमारा, R1 को समझ लो ये हमारा हेड ऑफिस है, ठीक है? और R2 और R3 जो है ना वो हमारे ब्रांच ऑफिसेस में राउटर अटैच है, ठीक है? और ये दोनों के दोनों किससे कनेक्टेड है, एक आईएसपी से कनेक्टेड है, ठीक है? और इस इंटरफेस पे हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया क्या, लाइक मैंने इस इंटरफेस पे आईपी दे दिया 192.168.1.1, और इस इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर कर लिया हमने 192.168.1.2, और इस इंटरफेस को आईपी दे दिया क्या 192.168.1.3। तो यहाँ पे कौन है, ये आईएसपी है। आईएसपी यूज़ करने की बजाय मैं यहाँ पे एक स्विच अटैच कर लूँ, बात तो एक ही है, नहीं तो इनके बीच में पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, हाँ एक स्विच यूज़ कर लिया। अब आईएसपी बीच में हम लोग कहाँ से लेके आए, वो फ्रेम रिले का बीच में कॉन्सेप्ट आएगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैंने स्विच यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है? अब स्विच यूज़ कर लिया तो अब इन दोनों राउटर पे जैसी, इन तीनों राउटर पे जैसी आप EIGRP इनेबल करोगे, तो EIGRP इनेबल करोगे तो जो नेबरशिप बनेगी वो डायनेमिक नेबरशिप बनेगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? और इनके बीच में फुल मैश टोपोलॉजी बनेगी। वो आर वन के कितने नेबर बनेंगे, दो, आर टू के भी दो नेबर बनेंगे, आर थ्री के भी दो नेबर होंगे, सारे राउटर एक दूसरे के नेबर होंगे। लेकिन ये हमारा है हेड ऑफिस, ये हेडक्वार्टर है, और ये क्या है, हमारे ब्रांच ऑफिसेज हैं। अब हम लोग क्या जाते हैं, ब्रांच ऑफिसेज जो हैं, मतलब ये जो ब्रांच ऑफिसेज जो हैं वो नेबरशिप इनके, अब इस टाइम जो नेबरशिप बननी चाहिए वो लाइक इनके बीच में हब एंड स्पोक टोपोलॉजी बननी चाहिए, फुल मैश टोपोलॉजी नहीं बननी चाहिए। टोपोलॉजी कैसी बननी चाहिए, हब एंड स्पोक टोपोलॉजी, मतलब नेबरशिप बननी चाहिए किन किन के बीच में, आर वन और आर टू के बीच में नेबरशिप हो, आर वन और आर थ्री के बीच में नेबरशिप हो, मतलब सारे ब्रांच ऑफिस जो हैं वो नेबर हों किसके, हेड ऑफिस राउटर के,
ठीक है, आपस में इनकी नेबरशिप नहीं होनी चाहिए, बात आ रही है मेरी समझ में? तो हम लोग इनके बीच में क्या कर सकते हैं, स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हैं ना। तो अब ये टोपोलॉजी कैसी बन जाएगी? हाँ बेंड स्पोक टोपोलॉजी बन जाएगी, बात आ रही है समझ में? तो अब होगा क्या, आप यहाँ पे क्या बताओगे, R1 को क्या बोलोगे? R1 को बोलोगे कि इसका नेबर है कौन, 192.168.1.2, और ये कौन से इंटरफेस पे है, लाइक इथरनेट 1/0 की तरफ है, इस वाले इंटरफेस की तरफ है। तो इस वाले इंटरफेस पे ये हेलो मैसेज भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और जो ये हेलो मैसेज भेज रहा होगा, आप क्या भेज, कैसे भेज रहा होगा, यूनिकास्ट। अब इस लिंक से ये EIGRP का जो अपना हेलो मैसेज है वो या फिर यूनिकास्ट भेज रहा होगा या फिर मल्टीकास्ट भेज रहा होगा। अब ये नहीं है कि यूनिकास्ट भी भेज रहा हो और मल्टीकास्ट भी भेज रहा हो, ऐसा नहीं होगा। हेलो मैसेज कैसे जा रहा होगा, या फिर यूनिकास्ट जा रहा होगा या फिर मल्टीकास्ट जा रहा होगा। अगर डायरेक्ट स्टैटिक नेबरशिप, अगर आपने इस राउटर को R1 को बोल दिया कि इस इंटरफेस पे इसका कोई नेबर है, स्टैटिक नेबर बोल दिया, तो अब इस वाले लिंक से हेलो मैसेज जो जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ यूनिकास्ट ही जाएंगे, बात आ रही है समझ में? ठीक है, अगर आपने इस इंटरफेस पे अगर किसी को स्टैटिक नेबर नहीं बोला तो सारे मैसेज कैसे जा रहे होंगे, मल्टीकास्ट। और जैसे ही आप इस वाले इंटरफेस पे किसी भी एक राउटर को आप क्या बोल देते हो, स्टैटिक नेबर बोल देते हो, तो अब इस वाले लिंक पे हमेशा और हमेशा मैसेज कैसे जा रहे होंगे, यूनिकास्ट जाएंगे। और ये सामने वाले राउटर से यूनिकास्ट हेलो ही एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि सामने वाला राउटर भी मुझे क्या भेजे, यूनिकास्ट हेलो ही भेजे, बात आ रही है समझ में? तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे तो हमने क्या बोल दिया, स्टैटिक नेबर बोल दिया इसको, बट R2 को बोला इसको स्टैटिक नेबर, तो इनके बीच में नेबरशिप क्या हो जाएगी इस वाले लिंक पे? अब सिर्फ और सिर्फ कौन सी नेबरशिप फॉर्म होगी, अगर मैं कोई लिंक पे स्टैटिक नेबर बोल देता हूँ ना, तो इस लिंक पे सिर्फ और सिर्फ अब स्टैटिक नेबरशिप ही फॉर्म होगी, डायनामिक नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो और हाँ, अगर किसी एक राउटर को आप स्टैटिक नेबर बोल रहे हो ना, तो सामने वाले को भी क्या बोलना पड़ेगा, स्टैटिक नेबर ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला मैसेज अभी भी कैसे भेज रहा है, मल्टीकास्ट। और R1 क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि सामने वाला राउटर मुझे क्या भेजेगा, यूनिकास्ट हेलो भेजेगा, बात आ रही है समझ में? क्लियर है ये चीज? तो सामने वाले राउटर को भी आपको स्टैटिक नेबर बोलना पड़ेगा। तो मैं R2 पे जाता हूँ, और R2 पे जाके मैं इसको बोल देता हूँ कि इसका नेबर है कौन। अभी R1 की ना R2 के साथ में और R3 के साथ में नेबरशिप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, इनकी नेबरशिप डाउन हो जाएगी, क्योंकि इसको हमने स्टैटिक नेबर बोल रखा है इसके साथ में, और सामने वाले राउटर को बोला नहीं है, तो इन दोनों की तो नेबरशिप वैसे ही डाउन हो जाएगी। और इस वाले लिंक पे मैंने स्टैटिक नेबर बोल दिया, तो इस वाले लिंक पे अब सिर्फ स्टैटिक नेबरशिप ही फॉर्म होगी। अरे सिर्फ ये हेलो मैसेज क्या भेज रहा होगा अब इस लिंक से, यूनिकास्ट ही भेज रहा होगा, मल्टीकास्ट नहीं भेजेगा। तो इस वाले राउटर को कोई मैसेज भेज रहा होगा नहीं, तो नेबरशिप फॉर्म होगी इसके साथ में नहीं। और ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा सामने वाले राउटर से, वो भी कैसे भेजेगा हेलो मैसेज, यूनिकास्ट। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस राउटर को बोलना पड़ेगा तुम्हारा नेबर है कौन, 192.168.1.1, और कौन से लिंक पे, ये इथरनेट 0/1/0 की तरफ है, इंटरफेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब ये वाला राउटर भी क्या करेगा, अब ये वाला राउटर भी हेलो मैसेज भेजना क्या स्टार्ट कर देगा, कैसे कैसे भेजना स्टार्ट कर देगा, यूनिकास्ट। तो अब R1 के बीच में और R2 के बीच में नेबरशिप आ जाएगी। अब R3 किसी का नेबर होगा अभी नहीं, क्यों नहीं होगा, हाँ। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, R1 को आपने बोलना पड़ेगा कि इसका नेबर है कौन, क्योंकि अब R1 जो है वो सिर्फ एक ही यूनिकास्ट हेलो मैसेज भेज रहा होगा, किसके लिए, R2 के लिए, ठीक है। तो अब R1 को बोलना पड़ेगा तुम्हारा नेबर कौन है, तुम्हारा नेबर है 192.168.1.3, कौन से इंटरफेस की तरफ है, ये इथरनेट 1/0 की तरफ है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये इस वाले लिंक से एक और हेलो मैसेज भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और ये जो हेलो मैसेज रहेगा वो यूनिकास्ट रहेगा, किसके लिए, R3 के लिए, ठीक है। यूनिकास्ट एड्रेस किसका रहेगा उसमें, R3 का रहेगा, तो R3 रिसीव कर लेगा उस मैसेज को, ठीक है। लेकिन ये R1 जो है अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि R3 जो है मुझे हेलो मैसेज भेजे, कैसे भेजे, यूनिकास्ट भेजे, क्योंकि दोनों राउटर को ही नेबर बोलना पड़ेगा स्टैटिकली आपको ना। तो इस वाले राउटर पे जाके भी आपको क्या बोलना पड़ेगा कि तुम्हारा नेबर है कौन, 192.168.1.1, कौन से इंटरफेस पे, इथरनेट 1/0 की तरफ है ये,
बात आ रही है समझ में? तो ये भी अपना एक हेलो मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा यूनिकास्ट, तो आर वन और आर थ्री के बीच में भी नेबरशिप आप आ जाएगी। अब आर टू और आर थ्री के बीच में नेबरशिप आप होगी क्या? नहीं, हमने इन दोनों को आपस में स्टैटिक नेबर बोला ही नहीं है, तो ये टोपोलॉजी कैसी बन जाएगी? हब एंड स्पोक टोपोलॉजी बन जाएगी, है ना? तो देखना यहाँ पे अब हमारी टोपोलॉजी कैसी बन जाएगी। ये आर वन है, आर टू है एंड आर थ्री है। ये तीन राउटर अटैच थे एक स्विच के साथ में। हमने आर वन और आर टू को बोल दिया स्टैटिक नेबरशिप के लिए। इन दोनों के बीच में स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी, और मैंने इन दोनों के बीच में भी एक स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करवा दी। तो ये टोपोलॉजी कैसी बन जाएगी? ये हमारा बन जाएगा हब, और ये दोनों राउटर क्या बन जाएंगे हमारे? अरे हब एंड स्पोक टोपोलॉजी होगी ना। अब ये फुल मैश टोपोलॉजी नहीं है, लास्ट टाइम फुल मैश टोपोलॉजी थी, अब ये हमारी टोपोलॉजी कैसी है? हब एंड स्पोक। आर वन और आर टू के बीच में कोई नेबरशिप नहीं है अभी, सॉरी आर टू और आर थ्री के बीच में अभी कोई नेबरशिप नहीं है अभी, ठीक है? अगर डायनेमिक नेबरशिप फॉर्म कर रहे थे तो नेबरशिप कैसी, वो वहाँ पे टोपोलॉजी कैसी बन रही थी? फुल मैश टोपोलॉजी बन रही थी। अब हमारी टोपोलॉजी कैसी बनी है? हब एंड स्पोक टोपोलॉजी बनी है। तो अगर आपके पास में कुछ इस तरह के केसेस हैं, लाइक जितने भी ब्रांच ऑफिसेज हैं वो आपस में उनकी नेबरशिप नहीं होनी चाहिए, वो उनकी नेबरशिप किसके साथ में होनी चाहिए? सिर्फ हेड ऑफिस के साथ में होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टैटिक नेबरशिप यूज करके आप इनके बीच में ये टोपोलॉजी, इस तरह की टोपोलॉजी बना सकते हो, हब एंड स्पोक टोपोलॉजी बना सकते हो। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करके देख लें हम लोग। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मैं ये सेम टोपोलॉजी बना रहा हूँ यहाँ पे, और एक और काम करेंगे साथ में, R1 के पीछे कुछ लाइन यूज़र भी होंगे इसके, R3 के पीछे भी कुछ लाइन यूज़र होंगे, और हेड ऑफिस के अंदर भी यहाँ पे कुछ लाइन यूज़र अटैच होंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक 10 का नेटवर्क यूज़ कर लेंगे, मान लेंगे यहाँ पे 10 के नेटवर्क में लाइन यूज़र कनेक्टेड है, यहाँ पे 20 के नेटवर्क में कुछ लाइन यूज़र कनेक्टेड है, और यहाँ पे 30 के नेटवर्क में कुछ लाइन यूज़र अटैच हैं। इनके बीच में हम लोग कम्युनिकेशन करवा के देखेंगे। बात आ रही है समझ में? अब ऑब्वियस ही बात है, ये राउटर क्या करेगा, आर टू क्या करेगा? आर टू अपने प्रीफिक्सेस की इन्फॉर्मेशन शेयर करवा देगा अपने नेबर के साथ में। अरे ये अपने राउटिंग टेबल जो है वो इस आर वन के साथ में शेयर करेगा ना, और आर वन अपने प्रीफिक्सेस की इन्फॉर्मेशन इस नेबर के साथ में शेयर करेगा। ऐसे आर वन अपने राउटिंग टेबल की इन्फॉर्मेशन आर थ्री के साथ में, और आर थ्री अपने प्रीफिक्सेस की इन्फॉर्मेशन आर वन के साथ में, क्योंकि आपस में एक दूसरे के क्या बने हुए हैं, नेबर बने हुए हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ में अपनी राउटिंग टेबल शेयर कर रहे होंगे। तो एक काम करते हैं, ये टोपोलॉजी इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं हब एंड स्पोक टोपोलॉजी में, और उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, आर वन आर टू एंड आर थ्री, ठीक है, ये तीन राउटर ले लिए हमने यहाँ पे। और एक काम कर लेते हैं साथ में, इनके पीछे लैन नेटवर्क के लिए मैं एक एक स्विच भी कनेक्ट कर लेता हूँ, और मान लेंगे इनके पीछे उन स्विचेस के ऊपर कुछ लैन यूजर अटैच्ड हैं। ठीक है, ये स्विच के पीछे कुछ लैन यूजर कनेक्टेड है। इनके पोर्ट नंबर है, तो यहां पे हम लोग नेटवर्क यूज कर लेंगे स्विच। हेड ऑफिस में जो लैन यूजर अटैच्ड है वो 10 के नेटवर्क में कनेक्टेड है, और इस ब्रांच ऑफिस में जो लैन यूजर कनेक्टेड है वो 20 के नेटवर्क में है, और इस ब्रांच ऑफिस के अंदर जो लैन नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो 30 के नेटवर्क में यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा एक ही सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट पे सेम नेटवर्क में आईपी एड्रेस रहेगा, तो मैं वही 192.168.1.0/20
4 का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले R1 पे चल लेते हैं। IP एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर करना है पता है ना, इंटरफेस इथरनेट 1/0, IP एड्रेस इज नो इंटरफेस इथरनेट 1/1, आईपी एड्रेस इज 10.1.1.1, नो शटडाउन। और साथ में EIGRP भी चला दें, राउटर EIGRP 100 नो ऑटो समरी बोल देते हैं। नेटवर्क क्या बता दूं, नेटवर्क अगर मैं यहां पे 192.168.1.0 बताता हूं तो सिर्फ एक ही इंटरफेस पे EIGRP क्या होगा, इनेबल होगा, ठीक है। और इस इंटरफेस पे इनेबल करना है तो आपको नेटवर्क 10.0.0.0 भी बताना पड़ेगा, तब इस इंटरफेस पे भी इनेबल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे नेटवर्क 0.0.0.0 बोल देते हैं तो क्या होगा, जिन इंटरफेसेस के ऊपर आईपी वर्जन 4 के नेटवर्क में आईपी एड्रेस असाइन है उन सभी इंटरफेसेस के ऊपर EIGRP क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। देखो क्या होता है, ये एक राउटर है, इस राउटर पे ये दो इंटरफेसेस हैं, ठीक है, और इन दोनों इंटरफेसेस पे आईपी इस पे कॉन्फ़िगर्ड है 10.1.1.1/24 पे, और इस इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर्ड है 10.1.2.1/24 पे, ठीक है। तो मैंने इन दोनों इंटरफेसेस के ऊपर EIGRP क्या करना है, इनेबल करना है। तो हम लोग ये कमांड चला सकते हैं ना, नेटवर्क 10.0.0.0, तो जिस इंटरफेस पे 10 के नेटवर्क में आईपी एड्रेस है उन सभी इंटरफेसेस पे EIGRP क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। तो इस इंटरफेस पे भी EIGRP इनेबल हो जाएगा और इस इंटरफेस पे भी EIGRP इनेबल हो जाएगा। हम लोग अगर चाहते हैं सिर्फ इसी इंटरफेस पे EIGRP क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए, तो हम लोग नेटवर्क कमांड ये दे सकते हैं ना, नेटवर्क स्पेस 10.1.1.0 और साथ में उसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255। ये वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ होता है मैच करवाने के लिए, मतलब जहाँ पे 0.0.0 बिट्स है ना, जितनी बिट्स जीरो हैं, जीरो बिट्स कितनी है यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क में, 24 बिट जीरो है ना, तो ये 24 बिट क्या करवाएगा, मैच करवाएगा। तो जिन इंटरफेसेस के ऊपर ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, ये बिट्स मैच हो रही हैं, ये ऑक्टेट मैच हो रहे हैं, उन इंटरफेसेस के ऊपर EIGRP इनेबल हो जाएगा। तो 10 यहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे ये तीनों यहाँ पे मैच हो रहे हैं, और ये वाला यहाँ पे मैच हो रहे हैं नहीं, तो सिर्फ EIGRP किस पे इनेबल होगा, सिर्फ इसी इंटरफेस पे EIGRP क्या होगा, इनेबल होगा। बात आ रही है समझ में, क्लियर है ये चीज़। अगर यहाँ पे एक और इंटरफेस होता और इस इंटरफेस पे मैं IP कॉन्फ़िगर कर देता लाइक 10.1.1.5/30, ये यूज़ कर सकते हो, एक डिफरेंट नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, और इस वाली कमांड से क्या होगा, इस इंटरफेस पे भी EIGRP इनेबल हो जाएगा और इस इंटरफेस पे भी EIGRP क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें मैच हो रहा है ना। समझ में आ रही है मेरी बात। आप यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते थे क्या कि मैंने उस इंटरफेस पे EIGRP इनेबल करना है, मैं सारी बिट्स भी मैच करवा सकता हूँ, लाइक हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, नेटवर्क लाइक 10.1.1.1 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क मैंने दे दिया 0.0.0.0, तो जहाँ पे 0.0.0 है वो उन सबको मैच करेगा, तो इन सबको मैच करेगा। तो जिस इंटरफेस पे 10.1.1.1 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है सिर्फ उस इंटरफेस पे EIGRP क्या होगा, इनेबल होगा। तो अब EIGRP सिर्फ इस इंटरफेस पे इनेबल हो रहा होगा, यहाँ पे आईपी दिया हुआ था 10.1.1.5/30 दिया हुआ था, तो इस पे अब EIGRP इनेबल नहीं होने वाला। तो ये क्या कर रहा है, ये सारी बिट्स क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ना, तो जहाँ पे ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है उसी पे इनेबल होगा। और यहाँ पे देखना ये मिसमैच हो रहा है ना, यहाँ पे 5 है और इसने किसके लिए इनेबल करवा रही है, एंड में 1 के लिए है ना। तो इस तरह से हम लोग EIGRP क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। अगर आपने सभी इंटरफेसेस के ऊपर इन सभी इंटरफेसेस के ऊपर EIGRP इनेबल करना है तो आप ये कमांड चला सकते हो ना, नेटवर्क 10.0.0.0
जिन इंटरफेसेस के ऊपर 10K नेटवर्क में आईपी एड्रेस असाइंड है उन सभी इंटरफेसेस के ऊपर ईएजीआरपी क्या हो जाए, इनेबल हो जाए। अगर मैं यहाँ पे सिंपल 10.0.0.0 बोलता हूँ ना तो ऑटोमेटिक उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्लास फुल का उठा लेता है ये, सॉरी 0.255.255.255 ये वाइल्ड कार्ड मास्क ही यूज़ कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैच सिर्फ क्या होगा जिन इंटरफेसेस के ऊपर 10 के नेटवर्क में, मतलब फर्स्ट ऑक्टेट में क्या है 10 है, ये सिर्फ क्या मैच कर रहा है, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट मैच कर रहा है ना, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट में क्या है 10 है, उस पर ईएजीआरपी क्या कर देगा, इनेबल कर देगा। तो इन सभी पे ईएजीआरपी क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहते हो यहाँ पे एक और इंटरफेस है लाइक ये है, इस पे आईपी है 20.1.1.1/24, आप चाहते हो लाइक इन सभी पे ईएजीआरपी क्या हो जाए, इनेबल हो जाए। तो आप एक कमांड चला सकते हो यहाँ पे नेटवर्क स्पेस 0.0.0.0, तो 0.0.0.0 का वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, देखो वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे कैलकुलेट करते हो, सबनेट मास्क का अपोजिट ना, तो इसका सबनेट मास्क 0.0.0 का सबनेट मास्क क्या बनेगा 0.0.0.0, तो उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बन जाएगा, वो ऑटोमेटिक उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या कर लेता है, कैलकुलेट कर लेता है। अगर आप क्या बता देते हो 0.0.0 बता देते हो, आप यहाँ पे मैनुअली भी दे सकते हो देना चाहो तो। तो अब क्या होगा, अब उन सभी इंटरफेसेस के ऊपर ईआईजीआरपी क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। अब मैं इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनेगा 0.255.255.255.255। अब ये किसी को मैच करेगा, किसी को भी मैच नहीं करेगा। अब किसी को भी मैच नहीं करेगा तो उन सभी इंटरफेसेस के ऊपर ईआईजीआरपी इनेबल कर देगा जिन इंटरफेसेस के ऊपर आईपी वर्जन 4 के नेटवर्क में आईपी एड्रेस क्या असाइन है, तो इन सभी इंटरफेसेस पे ईआईजीआरपी क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे देखो, अब तो मैंने R1 पे सभी इंटरफेसेस पे ईआईजीआरपी इनेबल करना था, इसलिए मैंने नेटवर्क 0.0.0 कमांड यूज कर ली। और ये देखना अब ये हेलो मैसेज भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और हेलो मैसेज कैसे भेज रहा होगा, ये मल्टीकास्ट इस वाले लिंक से हेलो मैसेज मल्टीकास्ट भेज रहा है। देखना डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, मल्टीकास्ट है ना। इसी तरह से मैं R2 पे भी जाता हूँ और R2 पे भी जाके मैं राउटर EIGRP 100 नो ऑटो समरी और नेटवर्क क्या, इसके भी सभी इंटरफेसेस पे EIGRP इनेबल कर दिया। तो ये भी एक हेलो मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा जो कि क्या रहेगा, मल्टीकास्ट रहेगा। अभी इंटरफेसेस पे आईपी नहीं दिए, इथरनेट 1/0 पे चल लो, 192.168.1.2.255.255.255.0 से नो शटडाउन एग्जिट, देखना नेबरशिप अप आ जाएगी 1.1, इसको भी आईपी दे दो 20.1.1.1.255.255.255.0 और इसको बोल दो नो शटडाउन। तो हमने यहाँ पे ईआईजीआरपी में नेटवर्क कमांड क्या चलाई हुई है, नेटवर्क 0.0.0, तो इस इंटरफेस पे भी और इस इंटरफेस पे भी ईआईजीआरपी क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा दोनों पे। और ये इस वाले लिंक से हेलो मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा जो कि कैसे जाएगा, मल्टीकास्ट। तो देखना R1 अपना हेलो मैसेज भेज रहा है मल्टीकास्ट और R2 भी अपना हेलो मैसेज कैसे भेज रहा है, मल्टीकास्ट। R2 का भी जो हेलो मैसेज आ रहा है इसके पास में वो कैसे आ रहा है, मल्टीकास्ट आ रहा है ना। तो इन दोनों के बीच में नेबरशिप क्या होगी, फॉर्म होगी। देखना इसका एक नेबर बन चुका है और R2 का भी एक नेबर बन गया है ना। अब इसी तरह से मैं R3 पे जाता हूँ, R3 पे भी आईपी दे देते हैं, इंटरफेस इथरनेट 1/0, आईपी एड्रेस इज 192.168.1.3.255.255.255.0 से नो शट डाउन एग्जिट, इंटरफेस इथरनेट 1/1 को क्या आईपी देना है 30.1.1.1 से नो शट डाउन। और राउटर EIGRP 100 में EIGRP इनेबल कर रहा हूँ, नो ऑटो समरी और नेटवर्क क्या 0.0.0। तो जैसे मैंने नेटवर्क 0.0.0 कमांड चलाई, इसके कितने नेबर बने हैं, दो, क्योंकि जैसे इस इंटरफेस पे EIGRP इनेबल हुआ इसने हेलो मैसेज रिसीव करना क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया। और इस इंटर और इसके पास में इन दोनों के मैसेज आ रहे हैं, हेलो मैसेज कैसे आ रहे हैं, मल्टीकास्ट आए, तो इसके दो नेबर बन गए। और ये भी अब हेलो मैसेज भेज रहा होगा मल्टीकास्ट, वो R2 को भी मिलेगा और R1 को भी मिलेगा, तो इसके भी दोनों नेबर बन जाएंगे ये। तो देखना तीनों राउटर हेलो मैसेज कैसे भेज रहे हैं, R1 मल्टीकास्ट कर रहा है, R2 भी मल्टीकास्ट कर रहा है, और R3 भी कैसे भेज रहा है, मल्टीकास्ट भेज रहा है। बाय डिफॉल्ट हेलो मैसेज कैसे जा रहे होते हैं, मल्टीकास्ट जा रहे होते हैं। तो इनके बीच में नेबरशिप फॉर्म होगी और डायनेमिक नेबरशिप फॉर्म हुई है ना, सो आईपी ईआईजीआरपी नेबर। देखना इसके दो नेबर फॉर्म हो गए, दो नेबरशिप फॉर्म होगी और ये फुल मैश टोपोलॉजी बन रही है ना, सो आईपी ईआईजीआरपी नेबर। देखना इसके भी दो नेबर हैं और R3 पे भी चल के देख लो, सो आईपी ईआईजीआरपी नेबर, नेबरशिप फॉर्म होगी इनके बीच में। लेकिन हमने क्या करना है, हमने हब एंड स्पोक टोपोलॉजी बनानी है। ये हमारा राउटर क्या है,
हब है, ये हमारा हेडक्वार्टर है, और ये दोनों क्या है हमारे स्पोक हैं, ये हमारे ब्रांच ऑफिसेज हैं। तो नेबरशिप इन ब्रांच ऑफिसेज की किसके साथ में होनी चाहिए, सिर्फ हेड ऑफिस के साथ में होनी चाहिए, ब्रांच ऑफिसेज की आपस में नेबरशिप नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करवा देंगे। तो मैं आर वन पे गया, राउटर EIGRP 100 में जाके स्टैटिक नेबरशिप कैसे फॉर्म करवाओगे, आप नेबर कमांड चलाओगे, इसका नेबर है कौन 192.168.1.2 है ना, और ये कौन से इंटरफेस पे बना हुआ है नेबर, इथरनेट 1/0। इंटरफेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा, खुद का इंटरफेस, कि मेरे इस इंटरफेस की तरफ ये नेबर है मेरा अटैच्ड। तो मैंने जैसे ही स्टैटिक नेबर बोलूंगा, पहले ये इस वाले लिंक पे हेलो मैसेज भेज रहा था, कैसे मल्टीकास्ट भेज रहा था R1 है ना। और अब देखना, मैंने जैसे ही स्टैटिक नेबर बोला, अब इस वाले लिंक पे मैंने जैसे ही स्टैटिक नेबर बोला, तो अब इस वाले लिंक पे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक नेबरशिप ही क्या होगी, फॉर्म होगी, ठीक है। तो अब मैंने इस वाले लिंक पे जैसे ही बोला कि सामने एक R2 इसका नेबर है, तो ये क्या कर, यहाँ पे स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म होगी, और सामने डायनेमिक नेबरशिप बोला हुआ है, अरे सामने कैसे फॉर्म कर रहे हैं वो डायनेमिक नेबरशिप, तो ये क्या कर देगा, ये नेबरशिप क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा दोनों के साथ में। देखना EIGRP नेबर, नेबरशिप ब्रेक हो गई। क्यों ब्रेक हो गई, क्योंकि अब ये हेलो मैसेज भेज रहा होगा कैसे, एक ही हेलो भेज रहा होगा, मल्टीकास्ट तो भेजेगा नहीं, सिर्फ क्या भेज रहा होगा, यूनिकास्ट। देखना R1 जो एक हेलो मैसेज भेज रहा है किसको, 192.168.1.2 को, सिर्फ यूनिकास्ट एक हेलो भेज रहा है। R1 कोई मल्टीकास्ट हेलो भेज रहा है नहीं, है ना। तो ये अगर इस इंटरफेस पे अगर आपने कोई स्टैटिक नेबर बोला है, अगर ये यूनिकास्ट हेलो भेज रहा है, तो ये हेलो मैसेज एक्सपेक्ट भी क्या करेगा, यूनिकास्ट ही करेगा, ठीक है, मल्टीकास्ट हेलो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होगा सामने वाले नेबर से। तो सामने वाले राउटर को जाके बोलना पड़ेगा स्टैटिक नेबर, ये जब हेलो मैसेज भेजेगा यूनिकास्ट, तब जाके इसको यहाँ पे यूनिकास्ट हेलो आएगा, रिसीव होगा, तब नेबरशिप बनाएगा, अदरवाइज वो नेबरशिप फॉर्म नहीं कर रहा होगा मल्टीकास्ट हेलो पे। बात आ रही है समझ में। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे इस वाले लिंक पे डायनेमिक नेबरशिप है ना, स्टैटिक तो अभी तक हमने बोला नहीं है ना, तो इस वाले लिंक पे सिर्फ अभी डायनेमिक नेबरशिप फॉर्म हो रही होगी, स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। देख लो यहाँ पे हेलो मैसेज आ रहा होगा ना इसका यूनिकास्ट, लेकिन ये नेबरशिप नहीं बनाएगा R1 के साथ में, EIGRP नेबरशिप इसने बनाई। तो मैंने क्या बताया था, इस लिंक पे या फिर स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म हो रही होगी या फिर डायनेमिक नेबरशिप फॉर्म हो रही होगी, ठीक है। तो अब इस वाले लिंक पे डायनेमिक नेबरशिप है और इस वाले लिंक पे भी डायनेमिक नेबरशिप है, ये मल्टीकास्ट भेज रहे हैं, ये आपस में दोनों नेबर हैं, बट ये इनका नेबर नहीं है। इवन R3 की भी नेबरशिप देखना, EIGRP नेबर, R1 के साथ में नेबरशिप क्या होगी, ब्रेक होगी। इवन यहाँ पे लॉग मैसेज भी जनरेट कर दिया इसने। तो आपको इस वाले राउटर पे आके क्या बोलना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों आपस में नेबर बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं, क्योंकि ये अपना हेलो मैसेज अभी भी मल्टीकास्ट भेज रहा है और ये भी अभी भी मल्टीकास्ट भेज रहा है। अरे यहाँ पे इस वाले लिंक पे डायनेमिक नेबरशिप है ना, तो ये तो फॉर्म हो ही जाएगी, मल्टीकास्ट हेलो सेंड रिसीव कर रहे हैं दोनों, तो इन दोनों के बीच में नेबरशिप फॉर्म हो रखी है, लेकिन इसने सभी के साथ में नेबरशिप क्या कर दी, ब्रेक कर दी। क्यों ब्रेक कर दी, क्योंकि इस वाले लिंक पे मैंने क्या बोला, स्टैटिक नेबर, तो इस वाले लिंक पे अब सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक नेबरशिप ही क्या होगी, फॉर्म होगी। तो अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, R2 पे चल लेते हैं, राउटर EIGRP 100, मैंने बोला इसका नेबर है कौन 192.168.1.1, ये कौन से इंटरफेस की तरफ है, इथरनेट 1/0 की तरफ है। तो मैंने जैसे ही स्टैटिक नेबर बोला, इसकी देखना नेबरशिप अप आएगी, अभी EIGRP नेबर, इसकी नेबरशिप अप आ गई किसके साथ में, 1 के साथ में, और R3 से नेबरशिप क्या होगी इसकी, ब्रेक होगी, क्योंकि ये इस वाले लिंक पे अब सिर्फ स्टैटिक नेबरशिप भी फॉर्म कर रहा होगा, डायनेमिक नेबरशिप फॉर्म नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो इस वाले लिंक पे सिर्फ हेलो भी यूनिकास्ट ही एक्सपेक्ट कर रहा होगा, यूनिकास्ट ही भेज रहा है, तो इन दोनों के बीच में ये भी यूनिकास्ट रिसीव कर रहा है और यूनिकास्ट क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। तो देख सकते हो अब इनके बीच में नेबरशिप फॉर्म हो गया है। R2 जो है वो हेलो मैसेज भेज रहा है कैसे, यूनिकास्ट। R3 अभी भी मल्टीकास्ट भेज रहा है, बट R1 देखना, R1 कैसे भेज रहा है, R1 यूनिकास्ट, R2 यूनिकास्ट, R3 अभी भी कैसे भेज रहा है, मल्टीकास्ट। बात आ रही है समझ में। तो इन दोनों की नेबरशिप आपस में फॉर्म हो गई है, बट R3 के साथ में किसी की नेबरशिप नहीं है अभी, तो EIGRP नेबर, क्योंकि सामने दोनों नेबर क्या है, स्टैटिक है, और यहाँ पे क्या बोला हुआ है, डायनेमिक। तो हम लोग अब इन दोनों के बीच में भी नेबरशिप फॉर्म करवा लें, तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा R1 को कि तुम्हारा नेबर कौन है, राउटर EIGRP 100 में जाके हमें बोलना पड़ेगा कि तुम्हारा नेबर है 192.168.1.3, और ये कौन से इंटरफेस की तरफ है,
मेरे इथरनेट 1/0 की तरफ है, तो अब ये एक और हेलो भेजना स्टार्ट कर देगा। अब ये दो हेलो भेज रहा होगा यूनिकास्ट, देखना R1 कितने हेलो भेज रहा है, एक R3 के लिए भेज रहा है और एक R2 के लिए भेज रहा है, दो यूनिकास्ट हेलो मैसेज भेज रहा है अभी, ये बात आ रही है समझ में। बट R3 अभी भी कैसे भेज रहा है, मल्टीकास्ट, तो ये मल्टीकास्ट ही एक्सपेक्ट कर रहा होगा और मल्टीकास्ट ही क्या कर रहा होगा, सेंड कर रहा होगा, ये यूनिकास्ट सेंड कर रहा होगा और यूनिकास्ट ही एक्सपेक्ट कर रहा होगा। तो सामने वाले राउटर पे भी जाके आपको क्या बोलना पड़ेगा, स्टैटिक नेबर राउटर EIGRP 100 में जाके आप बोल दोगे नेबर है तुम्हारा कौन 192.168.1.125 और कौन सी इंटरफेस पे, इसके इथरनेट 1/ नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी इनके बीच में, नेबरशिप आप आ गई। अब देखना R1 के कितने नेबर हैं, EIGRP नेबर, R1 के कितने नेबर हैं, R3 भी है और R2 भी नेबर बना हुआ है, R2 के कितने नेबर हैं, एक, और R3 के कितने नेबर हैं, R1 है। तो ये हब एंड स्पोक टोपोलॉजी बन गई ना, R2 और R3 के बीच में नेबरशिप नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, क्योंकि इनको हमने स्टैटिक नेबर बोला ही नहीं, ये इस वाले लिंक से सिर्फ कैसे कौन से मैसेज भेज रहा है, यूनिकास्ट हेलो भेज रहा है अब सिर्फ, बात आई समझ में। तो अब देखो क्या होगा, अब ये R2 क्या करेगा, अपने ये प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन, अपनी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा किसके साथ में, R1 के साथ में, ये भी अपनी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा किसके साथ में, है ना, और फिर R1 अपनी राउटिंग टेबल इस नेबर के साथ में और इस नेबर के साथ में शेयर करनी चाहिए ना। तो देख लें ऐसा ही हो रहा है क्या, तो मैं R1 पे जाता हूँ, शो IP राउट, इसकी राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क तो डायरेक्टली कनेक्टेड ही है, देखो ब्रांच ऑफिस जो आपका ये है 20 वाला नेटवर्क भी आ रहा है और R3 से भी नेटवर्क रिसीव हो रहा है 30 वाला, है ना, मतलब ये इसने अपना प्रीफिक्स दिया किसको, R1 को इन्फॉर्मेशन दी। अब R2 के पास में देखना शो IP राउट, इसकी राउटिंग टेबल देख लें, इसके राउटिंग टेबल में सिर्फ 10 का प्रीफिक्स आ रहा है, ये सिर्फ अपनी राउट दे रहे हैं, ये इनके राउट दे ही नहीं रहा। R2 के पास में सिर्फ किसका प्रीफिक्स आ रहा है, R1 का, और R3 के पास में देखना सिर्फ किसका प्रीफिक्स आ रहा है, तो ये R2 के पास में इस ब्रांच ऑफिस का ये प्रीफिक्स क्यों नहीं आया, देखो क्या होता है, R1 है, R2 है एंड R3 है, तीन राउटर अटैच्ड हैं। सिंपली क्या होता है, देखो इस राउटर की राउटिंग टेबल में कुछ प्रीफिक्स है, लाइक इसके पास में एक 10.1.1.0/24 का प्रीफिक्स है, इसके पास में एक 20.1.1.0/24 का प्रीफिक्स है, तो ये अपनी राउटिंग टेबल इसके साथ में शेयर करेगा, तो इसकी राउटिंग टेबल में कौन कौन से नेटवर्क आ जाएंगे, एक 10.1.1.0/24 का प्रीफिक्स आ जाएगा और 20 का क्या दिखा रहा होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड। और ये क्या करता है, अपनी कंप्लीट राउटिंग टेबल इस नेबर को शेयर करेगा ना, करेगा या नहीं करेगा, तो इसके पास में 10.1.1.0/24 और 20.1.1.0/24 के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, जब भी कोई इस राउटर के पास में कोई नेबर से कोई राउट आ रहा है तो ये अपने नेक्स्ट नेबर को आगे उसको फॉरवर्ड करता है ना, पूरी कंप्लीट राउटिंग टेबल देता है ना, तो यहाँ पे भी तो होना चाहिए ऐसा। R1 ने क्या किया, R2 ने क्या किया, अपनी राउटिंग टेबल जो है वो शेयर कर दी किसके साथ में, R1 के साथ में, R1 के पास में ये 10 का प्रीफिक्स था और कौन सा और आ गया, 20.1.1.0/24 का भी प्रीफिक्स आ गया, तो अब R1 को क्या करना चाहिए, कंप्लीट राउटिंग टेबल इस नेबर नेक्स्ट नेबर को शेयर करनी चाहिए ना, तो इसके पास में वो प्रीफिक्स आने चाहिए ना, तो क्यों नहीं आ रहे हैं। और ऐसे ही इसके पास में जब 30.1.1.0/24 का प्रीफिक्स किसको देगा, ये R1 को देगा, तो इसके पास में प्रीफिक्स आ जाएगा कौन सा, 30.1.1.0/24, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसको देनी चाहिए ना राउटिंग टेबल, ऐसे ही तो होता है, नेक्स्ट नेबर को देनी चाहिए ना इन्फॉर्मेशन, तो क्यों नहीं दे रहा वो। देखो यहाँ पे ना एक रूल होता है किस चीज़ का, स्प्लिट और एजिंग का एक रूल होता है, एक लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म होता है यहाँ पे EIGRP में, कौन सा, स्प्लिट और एजिंग, उसमें क्या बोलता है वो, स्प्लिट और एजिंग का क्या मतलब होता है, देखो R1 है हमारे पास में, एक R2 है, ये दो राउटर अटैच्ड हैं,
वो रूल समझ लो, स्प्लिट ओरिजिन का रूल है एक, जो कि लूप अवॉइडेंस के लिए यूज हो रहा होता है। वो रूल क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक आईपी है 10.12.1.0.1.12.1.1.2/24 पे आईपी एड्रेस दिया हुआ है दोनों को। यहाँ पे एक नेटवर्क है 10.1.1.0/24 का, और यहाँ पे एक नेटवर्क है 20.1.1.0/24 का। दोनों पे हमने क्या चला रखा है, EIGRP चला रखा है। और इन इंटरफेसेस पे स्प्लिट ओरिजिन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। स्प्लिट ओरिजिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इन इंटरफेसेस के ऊपर इनेबल्ड होता है। तो स्प्लिट ओरिजिन का रूल क्या बोलता है, देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि R1 क्या करेगा, R1 अपनी कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर कर रहा होता है ना अपने नेबर के साथ में। तो देखो R1 की राउटिंग टेबल में कौन कौन से नेटवर्क होंगे, 10.1.1.0/24 का, और एक होगा 12.1.1.0/24 का। ये दो प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन रहेगी इसकी राउटिंग टेबल में। और R2 की राउटिंग टेबल में कौन कौन से प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन रहेगी, 12.1.1.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड, और एक 20.1.1.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड। ये दो इस तरह से डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन है बाय डिफॉल्ट इनकी राउटिंग टेबल में, ऐसा ही है ना। तो हमने क्या डिस्कस किया था, EIGRP क्या करता है, फर्स्ट टाइम अपनी कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर करता है, फुल अपडेट भेजता है ना फर्स्ट टाइम, उसके बाद में ट्रिगर्ड अपडेट, पार्शियल अपडेट, जिस प्रीफिक्स, जो आपका प्रीफिक्स डाउन होगा उस प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन भेजेगा, या प्रीफिक्स कोई अप आएगा तो सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन भेजेगा, कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर नहीं करता। ऐसे ही होता है ना EIGRP में, अरे ऐसे ही पढ़ा है कुछ है? देखो ये अपनी कंप्लीट राउटिंग टेबल तो दे रहा होता है, फुल अपडेट तो भेज रहा होता है, बट वो फुल अपडेट भी बाउंडेड अपडेट होते हैं। क्या होते हैं, बाउंडेड अपडेट होते हैं। बाउंडेड अपडेट से क्या मतलब है, मतलब फुल राउटिंग टेबल तो दे रहा होगा लेकिन उनमें से कुछ प्रीफिक्सेस को वो क्या कर देता है, स्किप कर देता है, ड्यू टू स्प्लिट ओरिजिन, लूप अवॉइडेंस एक मैकेनिज्म काम कर रहा होता है यहाँ पे। तो वो इसमें क्या होता है कि जिस इंटरफेस से ये अपडेट भेजा है, ये कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर करनी चाहिए ना इसके साथ में, तो ये एक अपडेट भेजेगा ना, उस अपडेट में कंप्लीट राउटिंग टेबल के प्रीफिक्स भेजेगा ना, तो ये उस इंटरफेस का प्रीफिक्स इंक्लूड नहीं करता जिस इंटरफेस से ये अपडेट सेंड कर रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, 12 का नेटवर्क क्यों देना चाहिए, इसके साथ में भी तो डायरेक्टली कनेक्टेड ही है। अरे इस एक सेगमेंट के ऊपर सेम नेटवर्क में आईपी एड्रेस होता है ना हमेशा, तो 12 का नेटवर्क इसके साथ में भी क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है, देना चाहिए उसको नहीं। तो ये सिर्फ मतलब फुल राउटिंग टेबल तो दे रहा होता है, बट वो क्या क्या कर रहा होता है, एक बाउंडेड अपडेट होता है, मतलब जिस इंटरफेस से अपडेट सेंड कर रहा है उस इंटरफेस के ऊपर जो प्रीफिक्स यूज हो रहा होता है उसको कभी भी उसको उस अपडेट में इंक्लूड नहीं करता। तो 12 का नेटवर्क इंक्लूड नहीं करेगा उस अपडेट में, सिर्फ कौन सा भेज रहा होगा, 10.1.1.0/24 का। तो R2 के पास में अब एक प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन आएगी, राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन शेयर करी R2 के साथ में, तो एक अपडेट आया जिसमें 10 का नेटवर्क आया, इसने अपनी राउटिंग टेबल में उसको क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया लाइक वाया R1। अब R2 भी क्या करेगा, अपनी कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर कर रहा होगा ना किसके साथ में, अपने नेबर के साथ में। अरे फर्स्ट टाइम कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर करता है, लेकिन ये भी ड्यू टू स्प्लिट ओरिजिन ये बाउंडेड अपडेट भेज रहा होता है, फुल अपडेट नहीं भेज रहा होता, फुल कंप्लीट राउटिंग टेबल नहीं भेज रहा होता, बाउंडेड अपडेट होते हैं वो, फुल अपडेट नहीं होते। क्यों, क्योंकि इस इंटरफेस पे क्या इनेबल्ड है, स्प्लिट ओरिजिन। तो इस इंटरफेस पे जो प्रीफिक्स यूज हो रहा होता है, एक तो उसको इंक्लूड नहीं करेगा, एक तो ये वाला नहीं भेज रहा होगा उस अपडेट में, ठीक है। तो कौन सा भेज रहा होगा, एक तो 20.1.1.0/24 वाला, एक उस प्रीफिक्स को इंक्लूड नहीं करेगा जो इस इंटरफेस पे क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो इस इंटरफेस पे कौन सा रिसीव हुआ है, इसको पूरी कंप्लीट राउटिंग टेबल देनी चाहिए, लेकिन इस राउटिंग टेबल में ये वाला प्रीफिक्स है ना वो इसी इंटरफेस पे क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, तो ये इसको भी इंक्लूड नहीं करेगा। तो सिर्फ 20 वाला प्रीफिक्स क्या कर रहा होगा, शेयर कर रहा होगा, इसके पास में 20.1.1.0/24 की इंफॉर्मेशन आ जाएगी वाया R2। तो ड्यू टू स्प्लिट ओरिजिन ये फुल अपडेट तो भेजता है, बट वो फुल अपडेट भी क्या होते हैं, बाउंडेड अपडेट होते हैं। जिस इंटरफेस से अपडेट भेज रहा है उस इंटरफेस पे जो नेटवर्क यूज हो रहा होता है उसको कभी भी उस अपडेट में इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। और उस जिस इंटरफेस से अपडेट सेंड कर रहा है उस इंटरफेस पे जो प्रीफिक्स रिसीव हुआ है उस प्रीफिक्स को भी अपडेट में कभी भी इंक्लूड नहीं करेगा। बात आ गई समझ में, क्लियर है ये चीज। तो ये एक लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा होता है, कौन, EIGRP, ठीक है। बात आई समझ में, इतनी हटा दूं इसको, अरे समझ में आया कि नहीं आया,
तो ये लो अब इधर आ जाओ। अब देखो हो क्या रहा था, आर टू क्या कर रहा है, आर टू की राउटिंग टेबल में कौन कौन से नेटवर्क है, 192.168.1.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड, और एक 20.1.1.0/24 का प्रीफिक्स है एज ए डायरेक्टली कनेक्टेड। तो ये इस अपडेट को शेयर करेगा किसके साथ में, आर वन के साथ में। तो जब अपडेट भेजेगा तो उसमें कौन कौन से प्रीफिक्सेस इंक्लूड करेगा, सिर्फ 20 वाला ना, ये 192 वाला जो है वो इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि इस इंटरफेस पे ये वाला नेटवर्क यूज हो रहा है। जिस इंटरफेस से ये अपडेट भेजेगा उस इंटरफेस पे जो नेटवर्क यूज हो रहा है उसको अपडेट में कभी भी इंक्लूड नहीं करेगा। तो इसके पास में इसकी राउटिंग टेबल में एक 10 का प्रीफिक्स तो था ही, तो इसके पास में एक 192.168.1.0/24 का प्रीफिक्स भी था। अब इसके पास में एक 20.1.1.0/24 का प्रीफिक्स रिसीव हो जाएगा, ये अपनी राउटिंग टेबल बना लेगा। अब ये क्या करेगा, ये अपनी कंप्लीट राउटिंग टेबल R1 जो है अपनी कंप्लीट राउटिंग टेबल ये इस नेबर को भी तो शेयर करेगा, करेगा करेगा ये नहीं करेगा, करेगा ना। तो जब ये इसको अपडेट भेज रहा होगा ना तो इसमें कौन कौन से प्रीफिक्स इंक्लूड नहीं करेगा, एक तो जो इस इंटरफेस पे प्रीफिक्स यूज हो रहा है तो ये वाला इंक्लूड नहीं करेगा उस अपडेट में, और इस इंटरफेस पे जो प्रीफिक्स रिसीव हुआ है सेम इंटरफेस पे भेज रहा ना तो इस इंटरफेस पे कौन सा प्रीफिक्स रिसीव हुआ था 20 वाला, तो इसको इंक्लूड नहीं करेगा, सिर्फ कौन सा भेज रहा होगा इसको 10.1.1.0/24 का प्रीफिक्स आ जाएगा। और इसकी राउटिंग टेबल में अब प्रीफिक्सेस कौन से हैं, अब एक 10 का तो है ही, किससे आया वाया आर वन, एक और कौन सा है 30.1.1.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड, और एक 192.168.1.0/24 एज ए डायरेक्टली कनेक्टेड। अब ये राउटर भी क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल जो है वो अपने इस नेबर के साथ में क्या करेगा, शेयर करेगा। कंप्लीट राउटिंग टेबल भेज रहा होता है बट वो बाउंडेड अपडेट होते हैं, अरे फुल अपडेट होता है बट वो भी क्या होता है बाउंडेड अपडेट होते हैं ड्यू टू स्प्लिट होराइजन। तो ये क्या करेगा, एक तो इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं करेगा, एक तो ये वाला इंक्लूड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इस इंटरफेस से अपडेट भेज रहा है और इस इंटरफेस पे ये वाला नेटवर्क यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और कौन सा इंक्लूड नहीं करेगा, एक 10 वाला इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि 10 वाला रिसीव हुआ था, तो सिर्फ कौन सा भेज रहा होगा 30 वाला। तो इसके पास में 30.1.1.0/24 के प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इसकी राउटिंग टेबल में, वाया किसके थ्रू, वाया आर थ्री। तो अब आर वन क्या कर रहा होगा, अपनी कंप्लीट राउटिंग टेबल इस नेबर को भी तो शेयर करेगा, तो जब इस नेबर को शेयर करेगा तो अब इस इंटरफेस से भेज रहा है ना तो कौन कौन से प्रीफिक्स इंक्लूड नहीं करेगा, एक तो 192 वाला इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि इस इंटरफेस से भेज रहा है, इस इंटरफेस पे यूज हो रहा है। 20 वाला इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि 20 वाला यहाँ पे रिसीव हुआ है, इसी इंटरफेस पे रिसीव हुआ था, और 30 वाला भी इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि 30 वाला भी इसी इंटरफेस पे क्या हुआ था, रिसीव हुआ था। तो इसके पास में सिर्फ कौन सा आ रहा होगा, वाया आर वन। तो देख लो यही हो रहा है, स्वाइपी राउट, अरे ऑलरेडी कमांड चलाई हुई है। इसके पास में सिर्फ 10 का प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, सिर्फ आर वन का, आर थ्री वाला प्रीफिक्स आ रहे हैं नहीं, आर थ्री के पास में चलना, इसके पास में सिर्फ 10 का प्रीफिक्स आ रहा है, आर टू वाला प्रीफिक्स आ रहा है नहीं, बट आर वन पे चलना जरा, आर वन की राउटिंग टेबल में 20 वाला भी है और 30 वाला भी है, बात आ रही है समझ में, बट ये 30 वाला इसको नहीं दे रहा और इसके पास में जो 20 वाला है वो इसको नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसी इंटरफेस पे वो प्रीफिक्स क्या हुए हैं, रिसीव हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्रांच ऑफिस जो है हमारे वो हेड ऑफिस से तो कम्युनिकेट कर पाएंगी, हेड ऑफिस वाले भी ब्रांच ऑफिस को कम्युनिकेट कर पाएंगे, ब्रांच ऑफिस के नेटवर्क्स को, ठीक है, बट ब्रांच ऑफिस एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही होगी। देख लो, प्रूव करके देख लेते हैं, मैपिंग करता हूँ, 30.1.1.1 ये 30 को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, 20.1.1.1 ये इस ब्रांच ऑफिस के नेटवर्क को भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, है ना। मैं आर टू पे चलता हूँ, मैपिंग कर रहा हूँ किसको, 10.1.1.1 हेड ऑफिस का नेटवर्क कम्युनिकेट हो पा रहा है, और मैं यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा हूँ 30.1.1.1, ब्रांच ऑफिस के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही आप आर थ्री पे चल लो, पिंग 10.1.1.1 ये हेड ऑफिस से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बट ये ब्रांच ऑफिस के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। अब इनके बीच में अगर हमने कम्युनिकेशन करवाना है तो क्या करोगे, अब आप यहाँ पे स्प्लिट ओरिजिन क्या कर दोगे, डिसेबल कर दोगे। चलो करते हैं हम लोग डिस्कस इसके बाद। तो अगर हम लोग इस इंटरफेस पे अगर स्प्लिट ओरिजिन को क्या कर दें, डिसेबल कर दें, तो जब ये 20 का प्रीफिक्स अगर इस इंटरफेस पे रिसीव हो रहा है तो सेम इंटरफेस पे एडवर्टाइज करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा ना। तो अगर आप चाहते हो ब्रांच ऑफिस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें स्प्लिट ओरिजिन को डिसेबल करना पड़ेगा ना।
तो अब मैं ये आर थ्री जब जैसे ये वाला प्रीफिक्स शेयर कर रहा है किसके साथ में, आर वन के साथ में। अब आर वन इस वाले प्रीफिक्स को जब अपनी कंप्लीट राउटिंग टेबल जब दे रहा होगा किसको, आर टू को, तो इस सेम इंटरफेस पे जब भेजेगा तो इसको अब इंक्लूड करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा ना। अरे इसको अब एक्सक्लूड नहीं करेगा, ये इंक्लूड करके भेजेगा अभी। बात आ रही है समझ में, क्लियर है ये चीज़? तो देख लें इसको प्रूफ करके। तो एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ किसको, इंटरफेस इथरनेट 1/0 पे इंटरफेसिस पे इनेबल्ड होता है क्या, स्प्लिट होराइजन। तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, आईपी स्प्लिट होराइजन की कमांड कॉन्फ़िगर्ड होती है यहाँ पे, और EIGRP 100 मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे कमांड इनेबल्ड होती है आईपी स्प्लिट होराइजन, ठीक है। मैंने आईपी स्प्लिट होराइजन को डिसेबल कर दिया, नो कर दिया, बट सिर्फ EIGRP 100 के लिए, EIGRP 200 चल रहा है तो उसके लिए इनेबल रहेगा। बात आ रही है समझ में? मैंने जैसे इसको नो किया, नो करते ये EIGRP को एक बार वापिस से रीसिंक करेगा, और अब देखना ये दोबारा अपडेट भेजेंगे एक दूसरे को, और शो आईपी राउट, देखना इसके पास में 30 के प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन आ गई, और R3 के पास में, इसके पास में 20 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आना स्टार्ट होगी। पहले ब्रांच ऑफिस एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, अब देखना। और मैं R2 पे गया, और ये देखना कम्युनिकेशन हो पा रहा है ना, क्लियर है ये चीज़? इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, अब देखो इसमें भी ना एक नेक्स्ट होप रूल होता है, नेक्स्ट होप रूल इन EIGRP, नेक्स्ट होप रूल इन EIGRP। देखो नेक्स्ट होप रूल होता है, नेक्स्ट होप रूल क्या होता है, R1 R2 R3 ये तीन राउटर अटैच्ड हैं, ठीक है। इस इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर्ड है 12.1.1.1, इस इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर्ड है 12.1.1.2, इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 23.1.1.2, और इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 23.1.1.3, ठीक है। यहाँ पे एक प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन है 10.1.1.0/24, ठीक है। इन इंटरफेसेस के ऊपर ना एक कमांड कॉन्फ़िगर्ड होती है आईपी नेक्स्ट होप सेल्फ, क्या होती है, आईपी नेक्स्ट होप सेल्फ एक कमांड कॉन्फ़िगर्ड होती है सभी इंटरफेसेस के ऊपर बाय डिफॉल्ट, ठीक है EIGRP में। इस कमांड का मतलब क्या होता है, देखो देखो अब क्या होगा, सभी इंटरफेसेस पे ये कमांड कॉन्फ़िगर्ड होगी। तो अब R1 क्या करेगा, R1 अपने इस 10 के प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन किसको शेयर करेगा, अपने नेबर को शेयर करेगा, R2 को शेयर करेगा। तो इस इंटरफेस से अपडेट भेजेगा ना ये, तो इस इंटरफेस से अपडेट भेजेगा ना, तो उसको बोलेगा R2 को बोलेगा कि तू मेरे इस इंटरफेस का आईपी एज ए नेक्स्ट होप एड्रेस यूज करना। तो अपनी राउटिंग टेबल में कैसे इंस्टॉल करेगा, 10.1.1.0/24 वाया किसके थ्रू, नेक्स्ट होप एड्रेस क्या दिखा रहा होगा 12.1.1.1, और जब ये इस प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा किसके साथ में, इससे, तो इस इंटरफेस से अपडेट भेज रहा है ना, तो इस इंटरफेस पे भी एक कमांड चल रही है क्या, आईपी नेक्स्ट होप सेल्फ। तो ये जब आगे प्रीफिक्स भेजेगा ना, तो वो क्या बोलेगा, जब भी R3 को प्रीफिक्स शेयर कर रहा है तो उसको ये क्या बोलेगा कि मेरे इंटरफेस का आईपी एज ए नेक्स्ट होप एड्रेस यूज करना। नेक्स्ट होप एड्रेस क्या है यहाँ पे, कमांड कॉन्फ़िगर्ड है, तो यहाँ पे वाया किसके थ्रू, 23.1.1.2 के थ्रू ये राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। और जरूरी है ये मॉडिफाई करके भेज रहा होगा नेक्स्ट होप एड्रेस, जरूरी है ना ये, ताकि अगर इसने कम्युनिकेट करना हो 10 के नेटवर्क के साथ में, ये किसको भेज दे, R2 को। ये R2 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, वो देखेगा 10 के नेटवर्क तक जाना है किसके थ्रू, वाया R1 के थ्रू, R1 को भेज देगा, है ना। तो यहाँ पे इन इंटरफेसेस पे कमांड क्या होती है, वो कॉन्फ़िगर्ड होती है। जिस भी इंटरफेस से कोई राउटर अपडेट भेजता है ना, उस इंटरफेस का आईपी नेबर एज ए नेक्स्ट होप एड्रेस यूज कर रहा होता है। बात आ रही है समझ में? तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा इस वाली टोपोलॉजी में, अब R3 जब ये 10 के प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा किसके साथ में,
R1 के साथ में, तो इसको ये नेक्स्ट होप एड्रेस क्या दे रहा होगा, इस इंटरफेस से अपडेट भेज रहा है ना, तो इस इंटरफेस पे कमांड क्या कॉन्फ़िगर्ड है, आईपी नेक्स्ट होप सेल्फ, कि तुम मतलब नेक्स्ट होप एड्रेस किसका यूज़ करना, मेरा यूज़ करना। तो यहाँ पे इसके पास में एक 30.1.1.0/24 का जो प्रीफिक्स आएगा, तो नेक्स्ट होप एड्रेस क्या आ रहा होगा 192.168.1.3, ये अपनी राउटिंग टेबल में इसको क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। अब R3 इस प्रीफिक्स को, 30 वाले प्रीफिक्स को जब इस राउटर के साथ में शेयर करेगा, तो इस इंटरफेस से क्या कर रहा है वो, फॉरवर्ड कर रहा है ना, तो इस इंटरफेस पे भी क्या कमांड कॉन्फ़िगर्ड है, आईपी नेक्स्ट होप सेल्फ। इस इंटरफेस से जब भी अपडेट भेजेगा तो नेक्स्ट होप क्या यूज करे, इस इंटरफेस का यूज करे ना वो नेबर, तो ये अपनी राउटिंग टेबल में कैसे इंस्टॉल करेगा 30.1.1.0/24 वाया किसके थ्रू, 192.168.1.1 के थ्रू, है ना। तो अब अगर यहाँ पे कुछ लैन यूजर है जिन्होंने कम्युनिकेट करना है किसको, 30.1.1.1 को, ये इसकी राउटिंग टेबल है ना, पैकेट आएगा इस राउटर के पास में, राउटर अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, वो देखेगा कि ट्रैफिक किसके थ्रू भेजना है वाया R1, ट्रैफिक जाएगा किसके पास में, R1 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, वो देखेगा 30 के नेटवर्क तक जाना है वाया किसके थ्रू, R3, तो ये ट्रैफिक भेज देगा R3 की तरफ, इस इंटरफेस की तरफ। मतलब ये जो लैन यूजर जो कम्युनिकेट कर रहे होंगे वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे, वाया हब राउटर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होंगे। इवन देख लो, प्रूव करके देख लेते हैं ऐसे ही हो रहा है क्या, देखो R3 के पास में इशू आईपी राउट, एक यहाँ पे 30 का नेटवर्क है ना, ये 30 का नेटवर्क इसके साथ में शेयर करेगा, तो इस इंटरफेस पे क्या कमांड कॉन्फ़िगर्ड है, आईपी नेक्स्ट होप सेल्फ, तो इसको नेक्स्ट होप ये सेल्फ दे रहा होगा ना, तो ये अपनी राउटिंग टेबल में कैसे इंस्टॉल कर रखा होगा इसने, 30 के नेटवर्क तक जाना है तो किसके थ्रू जा सकता है ना, और जब ये 30 का प्रीफिक्स जब इसको शेयर करेगा तो इस इंटरफेस से भेज रहा है ना, तो इस इंटरफेस का आईपी वो क्या बोल रहा होगा, एज ए जिस इंटरफेस से वो अपडेट भेज रहा होता है उस इंटरफेस का आईपी वो एज ए नेक्स्ट होप बोल रहा होता कि ये वाला यूज कर, तो इस इंटरफेस से अपडेट भेज रहा है तो इस इंटरफेस का आईपी क्या होगा, एज ए नेक्स्ट होप यूज कर रहा होगा कौन, R2 शो आईपी देख लो। तो अब मैं ट्रेस रूट करके दिखाता हूँ तुम्हें, ट्रैफिक सारा 30.1.1.1 को कम्युनिकेट करना है, तो ट्रेस रूट जब कर रहा हूँ तो ट्रैफिक पहले R1 के पास में जा रहा है और फिर किसके पास में जा रहा है, R3 के पास में जा रहा है। अब एक बात बताओ, इस राउटर की और इस राउटर की आपस में एक दूसरे से रीचेबिलिटी है ना, यहाँ से ये आईपी और ये आईपी एक दूसरे से पिंग कर सकते हैं ना, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है, एक स्विच से कनेक्टेड है और एक ही सेगमेंट में है, ये पिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो अब सारा का सारा लोड किसके ऊपर पड़ रहा है, R1 पे है, हेड ऑफिस पे पड़ रहा है, तो हेड ऑफिस में जो हमारा हब राउटर है हब राउटर पे पड़ रहा है, ये जितने भी ब्रांच ऑफिसेज हैं, ये अब दो ब्रांच ऑफिसेज तो होंगे नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है हमारी 100 ब्रांच ऑफिसेज हैं, वो 100 ब्रांच ऑफिसेज ने एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करना होगा वो सारे किससे कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे अभी, हब राउटर पे, तो लोड पड़ेगा ना हब राउटर पे, बात आ रही है समझ में। तो और इवन R2 और R3 आपस में एक स्विच से भी क्या है कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ में इनकी रीचेबिलिटी है ना। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि ब्रांच ऑफिस जब कम्युनिकेट करें एक दूसरे से तो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ में क्या करें, कम्युनिकेट करें। तो यहाँ पे कमांड कॉन्फ़िगर्ड थी कौन सी, आईपी नेक्स्ट होप सेल्फ। मैं उस कमांड को हटा दूं, मैं उस कमांड को क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, तो ये जैसे ही ये R3 अपडेट भेजेगा किसको, R1 को, तो इस इंटरफेस पे कमांड क्या कॉन्फ़िगर्ड, आईपी नेक्स्ट होप सेल्फ अपना लगा के भेजेगा ये। और जब ये वाला राउटर इस सेम प्रीफिक्स को एडवर्टाइज करेगा R2 की तरफ, तो मैंने वो कमांड यहां से इस इंटरफेस से क्या कर दी, रिमूव कर दी, तो ये इस इंटरफेस का आईपी एज ए नेक्स्ट होप नहीं भेज रहा होगा, जो इसके पास में नेक्स्ट होप आ रहा है वो एज इट इज क्या कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा, बात आ रही है समझ में। देखो क्या हो रहा है, R3 जब ये 30 के प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है किसको, R2 को, इस इंटरफेस से भेज रहा है, और इस इंटरफेस पे क्या कमांड कॉन्फ़िगर्ड है, आईपी नेक्स्ट होप सेल्फ, तो इस इंटरफेस का आईपी एज ए नेक्स्ट होप एड्रेस दे रहा होगा, तो अपनी राउटिंग टेबल में कैसे इंस्टॉल करेगा, 30.1.1.0/24 वाया किसके थ्रू, 192.168.1.3 के थ्रू। और जब ये इस प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन जब इस राउटर को शेयर करेगा तो इस इंटरफेस से भेज रहा होगा, इस इंटरफेस पे भी क्या कमांड कॉन्फ़िगर्ड है, आईपी नेक्स्ट होप सेल्फ, तो ये भी अपना आईपी एज ए नेक्स्ट होप लगा के भेज रहा होगा, तो ये अपनी राउटिंग टेबल में कैसे इंस्टॉल कर रहा था,
अगर 30 के नेटवर्क तक जाना है तो वाया किसके थ्रू जा सकता है? 192.168.1.1 के थ्रू जा सकता है। तो मैं उस कमांड को यहां पे नो कर दूं, नो आईपी नेक्स्ट हॉप सेल्फ, तो जब ये प्रीफिक्स इसको शेयर करेगा ना तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस अपना ही लगा के भेजेगा। लेकिन जब ये अब R1 इस प्रीफिक्स को शेयर कर रहा होगा इस राउटर के साथ में, इस इंटरफेस से भेज रहा होगा, यहाँ पे क्या है नो आईपी नेक्स्ट हॉप सेल्फ, वो कमांड हमने हटा दी, तो वो एज इट इज क्या कर देगा आगे फॉरवर्ड कर देगा। अरे उस कमांड को मैंने वहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो एज इट इज क्या कर देगा फॉरवर्ड कर देगा। तो अब इसकी राउटिंग टेबल में कैसे इंस्टॉल होगा, 30.1.1.0/24 वाया किसके थ्रू, 192.168.1.3 के थ्रू इंस्टॉल होगा। तो अब इसके पीछे जो लैन यूजर है जिन्होंने कम्युनिकेट करना है, R2 के पीछे जो लैन यूजर है जिन्होंने कम्युनिकेट करना है 30 वाले नेटवर्क को, पैकेट आएगा R2 के पास में, ये अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा 30 के नेटवर्क तक जाना है किसके थ्रू जा सकता हूँ, और इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है ना एक दूसरे से इस तरह से, तो ट्रैफिक सारा इसको डायरेक्टली भेज देगा। तो हमारा हेड ऑफिस का जो राउटर है उस पर अभी लोड पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो अभी देखो इवन अपडेट जो है राउटिंग टेबल अभी भी किससे शेयर कर रहे हैं, ये जो राउटिंग टेबल जो है ना वो अभी भी किससे शेयर हो रही है, हब से ही हो रही है, क्योंकि वही आपस में एक दूसरे के नेबर बने हुए हैं। लेकिन जो यूजर का जो डेटा ट्रैफिक होगा वो किससे जाएगा, वो डायरेक्टली जाएगा, बात आ रही है समझ में? तो इसको प्रूफ करके देख लें, इवन R3 के पास में जो 20 का नेटवर्क आ रहा है नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या आ रहा है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, मैं R1 पे गया और R1 पे जाके इंटरफेस इथरनेट 1/0 पे जाके मैंने क्या बोल दिया, नो आईपी नेक्स्ट हॉप सेल्फ फॉर EIGRP 100। मैंने इस नेक्स्ट हॉप सेल्फ को क्या कर दिया, हटा दिया। अब ये एक बार EIGRP द्वारा नेबरशिप अप आएगी इनकी, ठीक है, एक बार नेबरशिप उसने क्या कर दी, ब्रेक करके वापस से अप लेके आया, डाउन करके रीसिंग नहीं करी है, ठीक है, ब्रेक करके डाउन करके अप लेके आएगा। तो अब दोबारा राउट क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे उसके आईपी राउट। अब इसकी राउटिंग टेबल में 30 का नेटवर्क देखना वाया किसके थ्रू है, और R3 की राउटिंग टेबल में देखना 20 का नेटवर्क क्यू आईपी राउट। वाया R2, मतलब ये जब इसको प्रीफिक्स दे रहा था तो अपना आईपी एज ए नेक्स्ट हॉप लगा के भेज रहा था, और यहाँ पे क्या कमांड कॉन्फ़िगर है, आईपी नेक्स्ट हॉप सेल्फ को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो एज इट इज भेज रहा होगा इसमें वाया 1.2 ही है। तो अब लास्ट टाइम जब कम्युनिकेशन हो रहा था ये यूजर 30 के नेटवर्क को जब कम्युनिकेट कर रहा था, कम्युनिकेशन तो अभी भी हो रहा है, बट इस बार मैं 30 को जब कम्युनिकेट कर रहा हूँ किसके पास में जा रहा है ट्रैफिक, डायरेक्ट R3 के पास में। तो अब R1 पे हब राउटर पे लोड पड़ेगा क्या? तो अब हमारे जितने भी ब्रांच ऑफिस हैं वो जब उनका डेटा ट्रैफिक होगा वो क्या हो रहा होगा, वो डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे जब यूजर कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन जो EIGRP के जो मैसेजेस हैं जो हमारे EIGRP के कौन से मैसेजेस, EIGRP के हेलो छोटा अपडेट, जो राउटिंग टेबल है, क्वेरी वगैरह है, जितने भी मैसेजेस हैं वो सारे के सारे किसके थ्रू जा रहे होंगे, हब राउटर के थ्रू। हेलो हमारा जो कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक है वो किससे जा रहे हैं, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक मतलब जो प्रोटोकॉल का जो मैसेजेस है, प्रोटोकॉल के जो मैसेजेस है, मतलब EIGRP के जो मैसेजेस है वो किसके थ्रू जा रहे हैं, जो राउटिंग टेबल जो शेयर कर रहे हैं राउटर, वो अभी भी हब राउटर के थ्रू ही क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये हब राउटर के साथ में नेबर बने हुए हैं। बट इन यूजर्स का जो डेटा ट्रैफिक है, डेटा कम्युनिकेशन जो है वो कैसे हो रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, बात आ गई समझ में, क्लियर है इतनी चीज। अब भी इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें एक और प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है वो बात करते हैं। देखो यार लाइक क्या होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे ही ये लिंक डाउन होगा, लिंक डाउन होते ही ये क्या भेजेगा, अब एक क्वेरी मैसेज भेजेगा अपने नेबर को, क्या बोलेगा इसको कि अगर तुमने मेरे थ्रू उस प्रीफिक्स को अगर राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा तो अपनी राउटिंग टेबल से रिमूव कर दो। एक्चुअली जो क्वेरी मैसेज का यूज़ होता है वो किस लिए यूज़ होता है, अगर कोई अल्टरनेटिव पाथ है वो पता करने के लिए, इसको एक क्वेरी मैसेज भेजेगा कि मेरा ये प्रीफिक्स ये क्या चेक करेगा, जैसे इसका लिंक डाउन होगा, ये लिंक डाउन होने के बाद में चेक करेगा अपने टोपोलॉजी टेबल, अगर इसकी टोपोलॉजी टेबल में इस सेम प्रीफिक्स के लिए फिजिबल सक्सेसर पड़ा हुआ है तो उसी को क्या बना देगा, ये सक्सेसर बना देगा। अगर फिजिबल सक्सेसर नहीं पड़ा हुआ तो ये क्या करेगा, ये क्वेरी मैसेज भेजेगा और R1 से पूछेगा क्या तुम्हारे पास में 20 के नेटवर्क तक जाने की क्या कोई इन्फॉर्मेशन है, और R2 क्या करेगा, ये R2 चेक करेगा
इसके पास में क्या उस प्रीफिक्स तक जाने की इन्फॉर्मेशन है, अगर नहीं है उस प्रीफिक्स तक इन्फॉर्मेशन जाने की, अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल नहीं है, तो ये राउटर क्या करता है, इस इन्फॉर्मेशन को आगे भेज देता है ना, आगे नेक्स्ट नेबर को भेजता है ना, yes. तो ये इसको भेजेगा ना। एक बात बताओ, R3 को ये प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन बता कौन रहा था, R1 बता रहा था ना, हब राउटर बता रहा था ना, हब राउटर इसको क्वेरी मैसेज भेज के पूछ रहा है क्या तुम्हारे पास में इस प्रीफिक्स तक जाने की क्या कोई इन्फॉर्मेशन है, क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, ऐसा कभी नहीं होना। R3 को 20 के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा था, देखो R1 का जैसे ये लिंक, R2 का जैसे ये लिंक डाउन गया, तो ये क्या भेजेगा, एक क्वेरी मैसेज भेजेगा, इससे पूछेगा क्या तुम्हारे पास में 20 के नेटवर्क तक जाने की क्या कोई इन्फॉर्मेशन है क्या। अगर इसके पास में अल्टरनेटिव पाथ हुआ तो इसको रिप्लाई दे देगा, अगर अल्टरनेटिव पाथ नहीं हुआ तो ये क्या देखेगा, ये उस क्वेरी को नेक्स्ट नेबर को क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है ना, तो ये इससे पूछेगा क्या तुम्हारे पास में 20 के नेटवर्क तक जाने की क्या कोई इन्फॉर्मेशन है। और R3 को 20 के नेटवर्क इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा था, R1 खुद दे रहा था, ये हब राउटर है, और हब राउटर इससे पूछ रहा क्या तुम्हारे पास में इस प्रीफिक्स तक जाने की क्या कोई इन्फॉर्मेशन है, ऐसा होना चाहिए क्या, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए ना, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये इसको भेजेगा, फिर ये इसको रिप्लाई भेजेगा, तो लिंक पे कंजेशन होगा ना, अरे इस लिंक पे क्या होगा, कंजेशन होगा, क्योंकि जब इसको ये क्वेरी मैसेज आएगा तो ऑब्वियस बात है इसको भेजेगा, तो ये इस पे लिंक पे कंजेशन हो। अब 100 ब्रांचेज हैं या 500 ब्रांचेज हैं, अब 500 ब्रांचेज हैं तो वो कोई भी एक ब्रांच पे लिंक क्या हो रहा होगा, डाउन जा ही रहा होगा या आ रहा होगा, वो अपने हेड ऑफिस को क्या भेज रहे होंगे, क्वेरी मैसेज भेज रहे होंगे, और हेड ऑफिस क्या करेगा, हब राउटर क्या करेगा, वो क्वेरी मैसेज आगे बाकी सभी ब्रांच ऑफिस को नेक्स्ट नेबर को फॉरवर्ड कर देगा ना, और वो नेक्स्ट नेबर क्या करेंगे, फिर नेगेटिव रिप्लाई देंगे क्या, कभी ऐसा होना चाहिए, उस लिंक पे कंजेशन नहीं होगा क्या, कंजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा ना, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टब, हम लोग कोई भी राउटर को स्टब राउटर बना सकते हैं। अब हमारे पास में इस क्वेरी मैसेज को हमने क्या करना है, अब क्वेरी मैसेजेस को हमने रोकना है कि हब राउटर जो ये क्वेरी मैसेज है ये फॉरवर्ड ना करे किसके पास में, स्पोक राउटर के पास में। तो इन क्वेरी मैसेजेस को रोकने के लिए हमारे पास में क्या है, स्टब राउटर। तो हम लोग R2 को जितने भी स्पोक राउटर है उनको क्या बना लेंगे, स्टब राउटर बना लेंगे, इसको भी स्टब राउटर बना लेंगे और इसको भी स्टब राउटर बना लेंगे। जो राउटर स्टब राउटर होता है ना वो कभी भी क्वेरी मैसेज रिसीव नहीं करता अपने नेबर से, लेकिन हाँ क्वेरी मैसेज सेंड कर रहा होगा, सेंड तो करेगा, क्योंकि जब इसका लिंक डाउन जाएगा, मैंने इस राउटर को क्या बना दिया, स्टब राउटर बना दिया, जब इसका लिंक डाउन जाएगा ये तो हब से पूछेगा ही क्या तुम्हारे पास में 20 के नेटवर्क तक जाने का कोई अल्टरनेटिव पाथ है क्या। हो सकता है हब राउटर आगे किसी और से कनेक्टेड हो, स्पोक से ना कनेक्ट हो गए, नेक्स्ट उसका एक और नेटवर्क हो सकता है, ठीक है, मे बी उसके थ्रू कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको तो ये क्वेरी मैसेज भेजना चाहिए, लेकिन हाँ भेजेगा भी, लेकिन ये क्वेरी मैसेज ये हब राउटर अब R3 को भेजेगा नहीं, क्योंकि जो स्टब राउटर है वो कभी भी क्वेरी मैसेज रिसीव नहीं करते हैं, सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं। बात आई समझ में, तो अब इसको कोई क्वेरी मैसेज आएगा, क्वेरी मैसेज आएगा ही नहीं, और आना भी नहीं चाहिए। हब राउटर से क्यों पूछे तुम्हारे पास में 10 के प्रीफिक्स तक जाने की कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कभी। इसको प्रूव करके देख लें क्या ऐसा ही हो रहा है, देखना। अब एक काम करते हैं हम लोग, मैं इस वाले लिंक को ना कैप्चर करके दिखा रहा हूँ, मैंने इस लिंक को कैप्चर किया, और मैं R2 पे जाता हूँ और R2 का जो लिंक है वो डाउन करता हूँ, इंटरफेस लूपबैक 1। मैंने जैसे इसको शटडाउन किया, शटडाउन करते ही R2 क्या करेगा, R2 क्वेरी भेजेगा किसको, और R1 क्वेरी किसको भेज देगा, ये क्या हुआ है? अच्छा, अरे लूपबैक नहीं है वो, वहां पे कौन सा इंटरफेस है, इंटरफेस इथरनेट 1/1 है शायद। मैंने जैसे ही लिंक डाउन किया तो क्वेरी मैसेज देखना, एक क्वेरी मैसेज आया इसके पास में किसका, R1 भेज रहा है किसको क्वेरी मैसेज, R3 को, और R3 फिर क्या कर रहे हैं, रिप्लाई दे रहा है, एक नेगेटिव रिप्लाई दे देगा,
अरे ऐसे ही तो हो रहे हैं। इसके पास में देखो, इसका जैसे ही लिंक डाउन गया, लिंक डाउन जाते ही इसने क्वेरी मैसेज भेजा होगा R1 को। R1 ये क्वेरी मैसेज किसको भेज रहा है? R3 को। देख लो सोर्स आईपी क्या है, 1.1। क्वेरी मैसेज किसको भेज रहा है? 1.3 को। और ये स्टैटिक नेबरशिप बनाई हुई ना, स्टैटिक नेबरशिप में हेलो जितने भी मैसेजेस हैं वो सारे कैसे जाएंगे? यूनिकास्ट। और इथरनेट लिंक पे वैसे कैसे जाता था क्वेरी मैसेज? मल्टीकास्ट। तो अगर स्टैटिक नेबरशिप बनाई हुई है, चाहे कोई भी लिंक हो, फिर सारे के सारे मैसेजेस कैसे जाएंगे? यूनिकास्ट। हेलो भी यूनिकास्ट जा रहा होगा ना। तो देखना, एक क्वेरी मैसेज भेजी, 20 का प्रीफिक्स डाउन हो चुका था, उसकी डिले जो है वो मैक्सिमम करके भेजा, और इसने फिर रिप्लाई दिया किसको? R1 को, कि मेरे से क्या वो अनरीचेबल है। इसने भी डिले कितना कर दिया? मैक्सिमम करके डिले भेज दिया। बात आ रही है समझ में? क्लियर है ये चीज? तो इस लिंक का, इस राउटर का कोई लिंक डाउन जा रहा है, तो ये तो इसको तो क्वेरी भेजे, लेकिन इसको नहीं भेजनी चाहिए ना। तो अब एक काम कर लेते हैं, मैं इस वाले लिंक को कैप्चर कर रहा हूँ। अब मैं वापस से पहले लिंक को आप ले आऊँ, मैं नो शट डाउन कर रहा हूँ इसको। मैंने इसको नो शट कर दिया, नो शट डाउन करते ही लिंक आप आ जाएगा इसके पास में, और सबके पास में प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अब मैं ना इस वाले लिंक को वापस से कैप्चर कर रहा हूँ, दिख जाएगा यहाँ से हमें क्वेरी मैसेज। मैंने इस लिंक को वापस से कैप्चर कर लिया। अब मैं जैसे इस लिंक को डाउन करूँगा, डाउन करते ही अरे वो क्वेरी मैसेज तो चलो भेज ही रहा था। अब मैं इस इन दोनों राउटर को स्टब राउटर बना लूँ पहले, फिर देखते हैं क्वेरी मैसेज सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। राउटर EIGRP 100, कैसे स्टब बनाओगे? EIGRP स्टब। मैंने इसको क्या बना लिया? EIGRP स्टब। R3 को भी हम लोग क्या बना लेते हैं? राउटर EIGRP 100 में जाके EIGRP स्टब बना लिया। और जैसे मैंने EIGRP स्टब बनाया, अब देखते हैं क्या होता है। ये मैसेजेस को जाने दो बैक। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग R2 का लिंक डाउन करते हैं। इंटरफेस इथरनेट 1/1। मैं जैसे इस लिंक को डाउन करूंगा, ये तो क्वेरी मैसेज भेजेगा R1 को, लेकिन R1 ये क्वेरी मैसेज R3 को भेजेगा नहीं, क्योंकि R3 क्या बना हुआ है? स्टब राउटर बना हुआ है। स्टब राउटर अपने नेबर से क्वेरी मैसेज रिसीव नहीं करते हैं। देखना, R3 ने R1 को क्वेरी मैसेज भेजा, और R1 ने इसको क्या कर दिया? रिप्लाई दे दिया। इस लिंक पे इसने कोई और क्वेरी मैसेज भेजा है? R1 ने R3 की तरफ कोई क्वेरी मैसेज भेजा है? नहीं, अब कोई क्वेरी मैसेज भेज ही नहीं रहा। बात आई समझ में? अरे क्लियर है ये चीज? अरे R2 का लिंक डाउन गया था ना, R2 ने क्या किया? एक क्वेरी मैसेज भेजा किसको? R1 को, और R1 ने उसको क्या दे दी? रिप्लाई दे दी, है ना। और R1 ने कोई ये नेक्स्ट क्वेरी मैसेज गया है एक और, लेकिन ये भेजा किसने? R3 ने भेजा। ये R1 ने R3 की तरफ नहीं भेजा। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो देखो। अब जैसे ये लिंक डाउन जाएगा, लिंक डाउन जाते ये क्वेरी मैसेज, क्वेरी मैसेज के दो यूजेस बताए थे मैंने, क्या? एक क्वेरी मैसेज भेजेगा और इसको बोल रहा होगा, अगर तुमने ये प्रीफिक्स मेरे थ्रू इंस्टॉल किया तो अपनी राउटिंग टेबल से हटा दो, और अगर कोई अल्टरनेटिव पाता तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दे दो रिप्लाई के फॉर्म में, है ना। तो इसके पास में वो प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन थी नहीं, इसने वो अपनी राउटिंग टेबल में किसके थ्रू इंस्टॉल किया हुआ था? इसके थ्रू। तो वो क्वेरी मैसेज से उसको अपनी राउटिंग टेबल से हटा देगा, है ना, और ये क्वेरी मैसेज आके तो भेजेगा नहीं, और ये क्या कर देगा? ये इसको रिप्लाई दे देगा, नेगेटिव रिप्लाई। लेकिन फिर R3 की राउटिंग टेबल में से वो कैसे प्रीफिक्स डाउन होगा? अरे इसकी राउटिंग टेबल में वो राउट है अब, और राउट हटाने के लिए 20 का राउट नहीं है ना, और राउट यहाँ इसकी राउटिंग टेबल से हटाने के लिए मैसेज कौन सा यूज होता था? क्वेरी तो यूज होता था। अब क्वेरी इसके पास में भेज ही नहीं रहा, फिर ये कैसे डाउन करेगा? तो अब R1 है ना, इसको क्या भेजेगा? अब एक अपडेट मैसेज के फॉर्म में भेजेगा। ये देखना, R1 ने क्या भेजा R3 को? एक अपडेट भेजा, और इस अपडेट में क्या बोल रहा है ये, कि 20 के नेटवर्क मेरे से क्या है? अनरीचेबल है, डिले मैक्सिमम करके भेज रहा है। अरे क्वेरी मैसेज के मैंने दो यूजेज बताए थे तुम्हें,
कौन कौन से यूजेस थे क्वेरी मैसेज के। अगर मेरा कोई लिंक डाउन जा रहा है तो मैं अपने नेबर को एक क्वेरी मैसेज भेजूंगा, उसको क्या बोलूंगा, अगर तुमने ये प्रीफिक्स अगर मेरे थ्रू इंस्टॉल कर रखा तो अपनी राउटिंग टेबल से क्या कर दो, हटा दो, अगर तुम्हारे पास में कोई अल्टरनेटिव पाथ है तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दे दो। ये तो क्वेरी मैसेज का यूज था, है ना। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, R2 का जैसे ही लिंक डाउन हुआ, लिंक डाउन होते ही R2 तो क्या कर रहा है, R2, अब ये R2 को और R3 को हमने क्या बनाया हुआ है, स्टब राउटर बनाया हुआ है। जैसे R2 का लिंक डाउन हुआ, ये क्या भेज रहा है, क्वेरी मैसेज भेज रहा है किसको, R1 को, अपने हब राउटर को। अरे क्वेरी मैसेज हब राउटर स्टब राउटर क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है, रिसीव नहीं करता कभी, है ना। तो ये क्वेरी मैसेज भेजेगा किसको, R1 को। इसको क्या बोल रहा होगा, अगर तुमने मेरे थ्रू ये प्रीफिक्स अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको क्या कर दो, तुम उससे हटा दो, रिमूव कर दो, अगर तुम्हारे पास में कोई अल्टरनेटिव पाथ है तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दे दो। तो ये क्या करेगा, ये इसके पास में कोई अल्टरनेटिव, ये यहाँ से अपनी राउटिंग टेबल से हटा लेगा और इसको एक नेगेटिव रिप्लाई दे देगा। अब ये क्वेरी मैसेज आगे नेक्स्ट इस राउटर को फॉरवर्ड करेगा आर थ्री को, आर वन सेम क्वेरी मैसेज को आर थ्री की तरफ फॉरवर्ड करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आर थ्री क्या बना हुआ है, स्टब राउटर बना हुआ है। तो क्वेरी नहीं भेजेगा तो फिर आर थ्री की राउटिंग टेबल से वो प्रीफिक्स डाउन कैसे होगा। तो अब R1 क्या करेगा, अब R1 एक अपडेट मैसेज भेजेगा अपना डिले मैक्सिमम करके, और अपडेट से ये क्या कर देगा, अपनी राउटिंग टेबल से हटा देगा। और जैसे ही R3 की राउटिंग टेबल से होगा, अगर कोई राउट डाउन गया है तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा मेरे पास में इसका कोई अल्टरनेटिव पाथ है, नहीं है, तो ये क्या भेजेगा, क्वेरी। क्वेरी किसको भेजेगा, ये R1 को, और R1 इसको क्या देगा, एक नेगेटिव रिप्लाई, और R1 वो क्वेरी आगे R2 को ही भेजेगा, क्योंकि R2 क्या बना हुआ है, स्टब राउटर बना हुआ है। तो देख लो यही हो रहा है, देखो मैंने R1 का जैसे ही लिंक डाउन किया, R2 का जैसे ही लिंक डाउन किया, R2 ने क्या भेजा, क्वेरी मैसेज 20 का प्रीफिक्स डिले मैक्सिमम करके, और R1 के पास में जाएगा, R1 अपनी राउटिंग टेबल से हटा देगा, और उसके पास में कोई अल्टरनेटिव पाथ तो है नहीं, तो R1 ने क्या कर दिया, रिप्लाई दिया, और एक नेगेटिव रिप्लाई दिया डिले मैक्सिमम करके, है ना। और अब देखो, अब सेम प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन आर थ्री की राउटिंग टेबल से भी तो हटनी चाहिए, है ना, क्योंकि नेटवर्क क्या हो चुका है, वो डाउन हो चुका है, उसकी राउटिंग टेबल में 20 का नेटवर्क क्यों रहे, आर टू की राउटिंग टेबल में, है ना। तो आर टू की राउटिंग टेबल से वो कैसे डाउन होगा, उसको क्वेरी मैसेज तो भेजेगा नहीं है। तो ये क्या भेज रहा है, अब आर वन आर थ्री को एक अपडेट भेज रहा है, और अपडेट से बता रहा है कि तुम अपनी राउटिंग टेबल से उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर दो, 20 के नेटवर्क को हटा दो, है ना। और फिर R3, अब R2 की राउटिंग, R3 की राउटिंग टेबल से वो प्रीफिक्स हट गया उसकी राउटिंग टेबल से, उसके पास में कोई अल्टरनेटिव पाथ तो है नहीं अवेलेबल, तो वो भी क्या करेगा, वो भी अल्टरनेटिव पाथ पूछने के लिए क्वेरी मैसेज भेजा किसको, R1 को, और फिर R1 क्या कर देगा, एक नेगेटिव रिप्लाई दे देगा, बात आई समझ में, या नहीं समझ में आया। हाँ, स्टब अदरवाइज प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन हटाने के लिए अपडेट नहीं जाता, वो क्या जा रहा होता है, क्वेरी, है ना। नहीं तो फिर अगर अपडेट से अगर वो भेज रहा होता तो फिर उसको दो मैसेज भेजने पड़ते, अपडेट अलग से उसकी राउटिंग टेबल से वो प्रीफिक्स को हटवाने के लिए, और क्वेरी अलग से वो पता करने के लिए, तो फिर लिंक पे क्या हो जाता, कंजेशन हो जाता। तो एक क्वेरी मैसेज से ही दोनों यूज हो गए, यूज ले लिए उसने, क्या क्वेरी मैसेज को ही दोनों कामों के लिए उसने यूज कर लिया, क्या कि जैसे कोई लिंक डाउन गया तो सामने वाले नेबर राउटर से उसको बताने के लिए कि तुम अपनी राउटिंग टेबल से हटा दो उस प्रीफिक्स को, तो क्वेरी मैसेज ही यूज कर रहा होता वो। और क्वेरी मैसेज का क्या यूज है, साथ में क्वेरी मैसेज से सामने वाले से वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है अल्टरनेटिव पाथ, अदरवाइज क्या होता, फिर दो मैसेज भेजने पड़ते अगर एक ही मैसेज से काम नहीं करता वो, तो लिंक पे क्या होता, फिर कंजेशन होता। अपडेट मैसेज से उसको मैं बताता कि हाँ भाई तुम अपनी राउटिंग टेबल से हटा दो, क्वेरी मैसेज भेज के मैं उससे अल्टरनेटिव पाथ पूछता, फिर बात आ रही है समझ में। दो मैसेज भेजने पड़ जाते हैं ना, तो वो एक क्वेरी मैसेज ही यूज हो रहा है। और अगर स्टब राउटर है कोई बना हुआ तो स्टब राउटर की तरफ कोई क्वेरी तो भेजेगा नहीं जब राउटर, फिर तो फिर वो प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन कैसे हटवाएगा, फिर वो अपडेट भेज के, बात आ गई समझ में। तो स्टब राउटर को हम लोग और भी डिटेल से डिस्कस करेंगे सबसे एंड में, ठीक है। स्टब राउटर के और भी काफी सारे यूजेस होते हैं, ये समझ में आ गया सबको, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो मुझे आप, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखें, अब इसको हटा दूं ना। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे समराइजेशन के बारे में।
हेडिंग डालो समराइजेशन। अरे यार समराइजेशन हम लोग ना कल स्टार्ट करेंगे, काफी टाइम लग जाएगा। एक दो छोटे मोटे और टॉपिक बचे हुए हैं तुम्हारे, लाइक वेरियंस, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। अब देखो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या है उसको समझ लेते हैं। देखो लाइक आर वन है हमारे पास में, आर टू, आर थ्री एंड आर फोर, ये चार राउटर अटैच्ड है, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रीफिक्स है 40.1.1.0/24 का। अब देखो क्या होगा, अब 40 का प्रीफिक्स जो है वो R1 को वाया R2 भी रिसीव हो रहा होगा और वाया R3 भी रिसीव हो रहा होगा ना। तो लाइक इसको एक 40.1.1.0/24 वाया R2 रिसीव हो रहा होगा और सेम प्रीफिक्स 40.1.1.0/24 वाया R3 रिसीव हो रहा होगा। तो ये क्या करता है EIGRP क्या करता है, अपनी एक FD और RD कैलकुलेट करता है ना, डिस्कस किया था ना हमने, लाइक इसने अपनी FD कैलकुलेट करी हुई है यहाँ पे कितनी, इस प्रीफिक्स तक जाने की FD कैलकुलेट कर रखी है लाइक 500 और RD कैलकुलेट कर रखी है लाइक 400। ठीक है, ये इसकी FD और RD है। ऐसे ही R1 ने इस प्रीफिक्स तक जाने के लिए R3 जाने के लिए इसने भी अपनी एक FD और RD कैलकुलेट कर रखी होगी, लाइक इसने अपनी FD कैलकुलेट करी हुई है लाइक फॉर एग्जांपल 700 और RD कैलकुलेट कर रखी है लाइक 450 कुछ भी। तो अब क्या होगा देखो राउटर के पास में तीन टाइप की टेबल बनाता है ये, एक तो अपनी नेबर टेबल बना रखी होगी इसने, नेबर टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन होगी कि इसका एक नेबर है कौन 12.1.1.2 और इसका एक और नेबर है कौन 13.1.1.3, ये नेबर टेबल में ये इन्फॉर्मेशन रखता है। और अब इन दोनों नेबर से इसको क्या रिसीव हुआ, एक प्रीफिक्स रिसीव हुआ, सिर्फ नेबर से ही रिसीव होगा, जो नेबर बनेंगे, जो नेबर नहीं बने उनसे तो प्रीफिक्स रिसीव होगा ही नहीं। तो दोनों नेबर से इसने क्या किया, एक एक प्रीफिक्स रिसीव किया 40 का, सेम प्रीफिक्स दोनों नेबर से रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो क्या चेक करेगा, सबसे पहले राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल करेगा, देखो सबसे पहले देखेगा प्रीफिक्स लेंथ, प्रीफिक्स लेंथ दोनों की क्या है सेम है, अगर प्रीफिक्स लेंथ अलग अलग हुई तो दोनों को ही क्या कर लेगा इंस्टॉल कर लेगा, प्रीफिक्स लेंथ क्या है दोनों की अलग अलग है। तो अब वो क्या, अरे प्रीफिक्स लेंथ अलग अलग हुई तो दोनों को इंस्टॉल कर लेगा, अगर प्रीफिक्स लेंथ अगर दोनों की सेम है देन वो क्या करेगा, देन वो देखेगा एडी वैल्यू, एडी वैल्यू दोनों की क्या है सेम है, देन वो देखेगा क्या मैट्रिक, मैट्रिक अगर ये दोनों की सेम आ जाती तो ये क्या करता लोड बैलेंसिंग करता, दोनों को ही राउटिंग टेबल में क्या कर लेता इंस्टॉल कर लेता। सक्सेसर कितने बनते, दो सक्सेसर बनते क्योंकि दोनों को ही कॉस्ट क्या है सेम है और फिर दोनों को ही राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर देता हूँ। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे अलग अलग प्रीफिक्स लेंथ आ रही है तो ये अपनी अब टोपोलॉजी टेबल भी बनाएगा ना, टोपोलॉजी टेबल में एक तो बनाएगा क्या सक्सेसर और एक बनाएगा क्या, अगर दोनों की मैट्रिक सेम होती तो दोनों ही क्या बन जाते सक्सेसर बन जाते, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये क्या बनाएगा, ये 40.1.1.0/24 का जो प्रीफिक्स है वाया किसके थ्रू वाया आर टू, ये क्या बना लेगा इसको सक्सेसर और 40.1.1.0/24 वाया आर थ्री को क्या बना लेगा ये फिजिबल सक्सेसर की एक कंडीशन थी कि जो बैकअप पाथ है
उसकी जो आरडी जो है वो सक्सेसर की एफडी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कम है ना, तो ये क्या बन जाएगा, फिजिबल सक्सेसर। और अब ये टोपोलॉजी टेबल बनाने के बाद में अपनी राउटिंग टेबल बनाते हैं। राउटिंग आर वन की बात चल रही है ना ये सारी अभी, तो आर वन क्या करेगा, अपनी आप राउटिंग टेबल भी बनाएगा। और राउटिंग टेबल में क्या इंफॉर्मेशन रखेगा, ये क्या करता है सक्सेसर को उठा के कहाँ पे रख देगा, राउटिंग टेबल में वाया आर टू। राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, सारा का सारा ट्रैफिक किससे जा रहा होगा, आर टू के थ्रू। अब देखो अभी तक हमने आज तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे थे आर वन जो है वो लोड बैलेंसिंग कब करेगा। आर वन लोड बैलेंसिंग तब करेगा जब दोनों पाथ से सेम मैट्रिक आ रही होगी, लाइक 500 ई आर टू से आ रही है मैट्रिक और 500 ई किससे आ रही है, वाई आर थ्री से आ रही है। तो दोनों को ही राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, क्योंकि दो सक्सेसर बनेंगे और दोनों को ही राउटिंग टेबल में क्या कर देता है, इंस्टॉल कर देता है। अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। लेकिन एक EIGRP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। EIGRP जो प्रोटोकॉल है वो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को भी सपोर्ट करता है। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कैसे, वाया आर टू तो मैट्रिक आ रही है कितनी 500 और वाया आर थ्री मैट्रिक आ रही है कितनी 700। ये इन दोनों को भी क्या कर सकता है, राउटिंग टेबल में अनइक्वल कॉस्ट आ रही है ना, अनइक्वल मैट्रिक है ना, स्टिल ये दोनों को अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है। ये अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करता है। और सिर्फ एक EIGRP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये कैसे सपोर्ट करता है, ये कैसे परफॉर्म कर रहा होता है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, वो बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ पे टोपोलॉजी टेबल कौन डिजाइन कर रहा होता है, ड्यूअल एल्गोरिदम ना, ड्यूअल एल्गोरिदम यूज हो रही होती है। देखो R2 से भी एक प्रीफिक्स रिसीव हुआ और R3 से भी प्रीफिक्स रिसीव हुआ, तो ड्यूअल एल्गोरिदम क्या करती है, अपनी एक टोपोलॉजी टेबल मेंटेन करती है। ये क्या करेगा, ये दोनों से एक FD और RD कैलकुलेट करेगा, दोनों नेबर से, अरे जो प्रीफिक्स आ रहा है उसके लिए FD और RD कैलकुलेट करता है। कौन कैलकुलेट करता है, ड्यूअल। तो ड्यूअल क्या करता है, अपनी टोपोलॉजी टेबल डिजाइन कर लेता है, इसको बना लेता है सक्सेसर, और इसको सेकंड वाले बैकअप पाथ को क्या बना दिया, फिजिबल सक्सेसर। मे बी ये फिजिबल सक्सेसर ना बनता अगर इसकी आरडी कितनी होती, 500 या उससे ज्यादा होती, है ना, बात आ रही है समझ में। तो ये फिजिबल सक्सेसर बन गया। और ड्यूअल क्या करता है, सक्सेसर को उठा के किस में रख देता है, राउटिंग टेबल में। और फिजिबल सक्सेसर कहाँ पे रह जाता है, टोपोलॉजी टेबल में, है ना। लेकिन ड्यूअल क्या करता है, जब सक्सेसर को राउटिंग टेबल में जब इंस्टॉल कर रहा होता है ना, तो यहाँ पे ना बीच में एक कंपोनेंट काम कर रहा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरियंस। एक वेरियंस कंपोनेंट काम कर रहा होता है। जो वेरियंस कंपोनेंट होता है उसकी जो वैल्यू जो होती है ना, इन दोनों के बीच में यहां पे एक वेरियंस कंपोनेंट काम कर रहा होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो 1 to 128 होती है, कुछ भी हो सकती है। और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो कितनी सेट होती है, One. एक वेरियंस कंपोनेंट होता है, और बाय आप इसको मल्टीप्लायर भी बोल सकते हो। तो इस वेरियंस कंपोनेंट की बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ये एक मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। ये ड्यूल इसको यूज कर रहा होता है। ड्यूल कैसे यूज करता है, देखो ड्यूल ने क्या किया, अपनी एक टोपोलॉजी टेबल डिजाइन करी। टोपोलॉजी टेबल में क्या बना लिया, एक सक्सेसर और एक फिजिबल सक्सेसर। जो सक्सेसर था उसकी FD और RD थी ना, सक्सेसर की FD कितनी है, 500, और RD कितनी है इसकी, 400। जो फिजिबल सक्सेसर है उसकी FD कितनी है, 700, और RD कितनी है, 450। तो ये वाला पाथ क्या बन गया, सक्सेसर, और ये वाला पाथ क्या बन गया, फिजिबल सक्सेसर। तो ड्यूअल क्या करता है, ड्यूअल सक्सेसर को उठा के कहां पे रखता है, राउटिंग टेबल में। लेकिन राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करने से पहले वो क्या चेक करता है, अपना एक मल्टीप्लायर है, एक वेरियंस चेक करता है, जो कि बाय डिफॉल्ट कितना है, 1। तो वेरियंस जितना भी है वो क्या करता है, जो सक्सेसर की FD है ना उसको मल्टीप्लाई कर देता है उस वेरियंस से। तो वैल्यू कितनी निकल के आती है, जो भी एक वैल्यू निकल के आएगी, जो भी वैल्यू निकल के आ रही है, जो फिजिबल सक्सेसर है उनकी मैट्रिक अगर इस वैल्यू के अंडर में आ जाती है तो उसको भी राउटिंग टेबल में क्या कर देता है, वो इंस्टॉल कर देता है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वेरियंस कितना होता है, 1 होता है। तो ऑब्वियस ही बात है इनकी मैट्रिक जो है वो ज्यादा ही होगी। तो मैं यहाँ पे वेरियंस कितना सेट करूं ताकि इसकी मैट्रिक क्या हो जाए,
ये वैल्यू जो है वो इसकी मैट्रिक्स से क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो मैं वेरियंस कितना सेट कर सकता हूँ यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे वेरियंस कितना सेट कर देंगे, 2 सेट कर देंगे। और जैसे ही वेरियंस 2 सेट करेंगे ना, तो अब क्या होगा, जब ड्यूल एल्गोरिदम क्या करेगा, जब सक्सेसर को उठा के राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर रहा होगा ना, तो वो क्या करेगा, सक्सेसर की जो मैट्रिक है ना, जो टोटल मैट्रिक है मतलब एफडी, उसको वेरियंस से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। एक वैल्यू निकल के आएगी, जो भी वैल्यू निकल के आएगी ना, वो चेक करेगा जितने भी फिजिबल सक्सेसर है ना यहाँ पे, उनकी मैट्रिक जो है, जिनकी उनकी अगर जो एफडी जो है अगर इस वैल्यू के अंडर में आ जाती है, तो उसको भी उठा के राउटिंग टेबल में क्या कर देता है, वो इंस्टॉल कर देता है 40.1.1.0/24 VR3। इवन इनकी मैट्रिक क्या है, VR2 मैट्रिक कितनी है, 500, और VR3 मैट्रिक राउटिंग टेबल में कितनी दिखा रहा होगा, 700। स्टिल ये दोनों प्रीफिक्सेस को राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, अरे सेम प्रीफिक्स को दोनों पाथ से क्या कर लेगा, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर देगा। बात आ रही है समझ में? तो अब ये क्या कर रहा होगा, राउटिंग टेबल में अब दोनों पाथ अवेलेबल हैं, तो वो क्या कर रहा होगा, लोड बैलेंसिंग। बात आई समझ में? और ये जो वेरियंस कंपोनेंट होता है, ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ फिजिबल सक्सेसर के ऊपर। अगर ये सेकंड वाला पाथ फिजिबल सक्सेसर नहीं होता, ऐसा भी तो हो सकता था ना कि अगर इसकी मैट्रिक, इसकी आरडी कितनी होती, 500 या उससे ज्यादा होती, ये होती कितनी, 550 लाइक, तो ये फिजिबल सक्सेसर होता ही नहीं, तो इसको टोपोलॉजी टेबल में इंस्टॉल करता ही नहीं, तो उसको फिर राउटिंग टेबल में इंस्टॉल ही नहीं करता। तो ये वेरियंस कंपोनेंट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सिर्फ फिजिबल सक्सेसर, या फिर आप बोल सकते हो जो टोपोलॉजी टेबल में जो प्रीफिक्सेस हैं, जो फिजिबल सक्सेसर हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और टोपोलॉजी टेबल में प्रीफिक्सेस कौन से होंगे, सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर, सिर्फ जो फिजिबल सक्सेसर है वो तो टोपोलॉजी टेबल में होगा ही नहीं। बात आ रही है समझ में? क्लियर है इतनी चीज? तो आप ये वेरियंस कंपोनेंट यूज कर सकते हो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करने के लिए। समझ में आ गई बात? तो आपको अगर लगता है मैट्रिक अगर इसकी कुछ ज्यादा होती, और भी ज्यादा होती, तो फिर आप उस हिसाब से वेरियंस कंपोनेंट क्या कर लेते, अपना चेंज कर लेते। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गया समझ में? इसको इंप्लीमेंट करके देख लें। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जीएनएस मैं ओपन करूं, मैं एक टोपोलॉजी डिजाइन कर रहा हूं, उस टोपोलॉजी में R1, R2, R3 एंड R4 चार आउटर अटैच कर रहा हूं मैं। सेम टोपोलॉजी बना रहा हूं जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और R4 के पीछे एक लूप बैक बना लेंगे, जो कि किस में, कौन से नेटवर्क में होगा, 40 के नेटवर्क में, ठीक है ना। तो इसको अप्लाई करके देख लेते हैं, इंप्लीमेंट करके। तो पहले आईपी एड्रेस इंप्लीमेंट कर देते हैं, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इनका। और अरे ये तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्या वेरियंस? चलो रिपीट हो जाएगा अभी तुम्हारा, ये मेन ऑफसेट लिस्ट था वो पढ़ेंगे हम लोग। 12.1.1.1 255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस इथरनेट 1/1 आईपी एड्रेस इज 13.1.1.1 नो शटडाउन एग्जिट राउटर EIGRP 100 नो ऑटो समरी एंड नेटवर्क इज 000 डू शो हिस्ट्री। ये कमांड मैं कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी, ये सभी राउटर पे सेम चलेगी। R2 पे आ जाओ, इंटरफेस इथरनेट 1/0 आईपी एड्रेस इज 12.1.1.2.255.255.255.0 से नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस इथरनेट 1/1 आईपी एड्रेस इज 24.1.1.2.255.255.255.0 से नो शटडाउन। और मैं राइट क्लिक करूँ, EIGRP भी क्या हो गया यहाँ पे इनेबल हो गया। R3 पे आ जाओ, इंटरफेस इथरनेट 1/1 आईपी इज 13.1.1.3 से नो
shut exit interface ethernet 1/0 IP addresses 34.1.1.3 से नो शट ऑन, राइट क्लिक कर दो, AIGRP इनेबल हो जाएगा। अरे AIGRP की कॉन्फ़िगरेशन मैंने कॉपी करी हुई है, ठीक है ना। इंटरफेस इथरनेट 1/0 IP एड्रेसेस 24.1.1.4 से नो शट एग्जिट इंटरफेस इथरनेट 1/1 IP एड्रेसेस 34.1.1.4 उसको 24 दिया था ना, अरे देखा था क्या, पता नहीं है मुझे। हाँ ठीक है, तो नेबरशिप आप आगे इशू IP इंटरफेस पे, ठीक है। तो मैं इस पर एक लूपबैक भी बना लेता हूँ मैं, इंटरफेस लूपबैक 1 IP एड्रेसेस 40.1.1.1 255.255.255.0। तो अब R1 के पास में ये प्रीफिक्स रिसीव हो रहा होगा, सेम लिंक है सारे, सेम उन पर बैंडविड्थ और डिले सब कुछ सेम होगा ना। तो शो IP राउट, इसके राउटिंग टेबल में दोनों पाथ इसने क्या किए हैं, इंस्टॉल कर रखे हैं, क्योंकि दोनों की मैट्रिक क्या रही है सेम। और शो IP EIGRP टोपोलॉजी देखो, शो IP EIGRP टोपोलॉजी में इसके पास में सक्सेसर कितने हैं, दो सक्सेसर कौन से है, जिनकी मैट्रिक ही है, तो दोनों से मैट्रिक क्या आ रही है, FD सेम आ रही है ना, जिनकी FD ये है वही क्या बने हुए हैं सक्सेसर। अब ऑब्वियस ही बात है इन सभी लिंक पे मैट्रिक सेम ही आएगी, अब बैंडविड्थ और सब कुछ सेम है ना। तो ये काम करते हैं हम लोग यहाँ पे ना, मैं इस वाले लिंक पे थोड़ा मैं डिले बढ़ा दूँ, मैं इस वाले लिंक पे थोड़ा डिले क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, तो जिससे क्या होगा ऊपर वाले पाथ की मैट्रिक क्या हो जाएगी कम, और नीचे वाले पाथ की मैट्रिक क्या हो जाएगी ज़्यादा। तो सक्सेसर कौन सा पाथ बन जाएगा, ऊपर वाला पाथ, और नीचे वाला पाथ क्या बन जाएगा, फिजिबल सक्सेसर। तो शो इंटरफेस इथरनेट पहले चेक कर लेते हैं, शो इंटरफेस इथरनेट 1/1 इसका जो डिले है वो कितना है, 1000 है। तो मैं इंटरफेस इथरनेट 1/1 पे गया और मैंने डिले कितना सेट कर दिया इस इंटरफेस का, मैंने 120 सेट कर दिया, 10th ऑफ माइक्रो सेकंड में होता है तो ये 1200 सेट कर लेगा इंटरफेस इथरनेट 1/1। इसका डिले देखना, इस वाले इंटरफेस का डिले कितना है, 1200 है ना, तो 1200 है तो ऑब्वियस ही बात है उस ऊपर वाले पाथ का जो डिले जो है वो कितना है, 2000 है यहाँ पे, और इसका 2200 है, बात आ रही है समझ में। तब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे देखना, शो IP EIGRP टोपोलॉजी, टोपोलॉजी टेबल में फोर्टी के नेटवर्क तक जाना है तो सक्सेसर कितने हैं, सिर्फ एक, जिसकी FD क्या है, ये है। तो ये FD किसकी है, वाया R2 है ना, वाया R3 मैट्रिक क्या होगी, बढ़ गई, तो वो क्या बना हुआ है, फिजिबल सक्सेसर। और ये फिजिबल सक्सेसर क्यों बना हुआ है सेकंड वाला पाथ, क्योंकि इसकी जो RD जो है ना वो इसकी FD से क्या है, कम है। और राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल हो रखा है पाथ, शो IP राउटिंग टेबल में 40 का प्रीफिक्स वाया R2 जो फिजिबल सक्सेसर है वही क्या हो रखा है, इंस्टॉल हो रखा है। तो अब हम लोग चाहते हैं दूसरा वाला पाथ भी क्या हो जाए, इंस्टॉल हो जाए। तो शो IP EIGRP टोपोलॉजी, तो मैं मल्टीप्लायर कितना सेट करूं कि ये वाली जो वैल्यू है उस वैल्यू के अंडर में आ जाए। तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, इस वाली वैल्यू को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं ताकि ये वाली वैल्यू उसके अंडर में आ जाए। तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली वैल्यू उसके अंडर में आ जाएगी ना। तो शो IP प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वेरियंस कितना सेट है, 1। तो मैं काम करता हूँ, मैं राउटर EIGRP 100 में गया और मैंने क्या बोला यहाँ पे, वेरियंस कितना सेट कर सकते हो, 1 to 128। मैंने कितना सेट कर दिया, 2। मैंने जैसे ही 2 सेट किया, शो IP EIGRP टोपोलॉजी, टोपोलॉजी टेबल में देखो सक्सेसर कितने हैं, अभी भी एक है, सक्सेसर कितने हैं, अभी भी एक है, जिसकी मैट्रिक क्या है, जिसकी FD ये है, तो सक्सेसर यही है ना, ये फिजिबल सक्सेसर है, लेकिन वेरियंस कितने हैं, 2। इसकी मैट्रिक देखना, YR3 ज़्यादा है ना, YR3 कम है। और देखो ऐसा कभी नहीं होता जब मैट्रिक क्या हो, डिफरेंट हो, तो दोनों ही राउटिंग टेबल में क्या हो जाएं, इंस्टॉल हो जाएं। बट हम लोग EIGRP में वेरियंस कंपोनेंट यूज़ करके या अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवा सकते हैं। तो 40.1.1.1 को जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं ट्रेस रूट करके देखता हूँ किसको, 40.1.1.1 को, तो ट्रैफिक R3 से भी जा रहा है और R2 से भी जा रहा है, बात आ गई समझ में, क्लियर है ये चीज। और जैसे ही आप वेरियंस वापस से हटाओगे राउटर, और हाँ एक और चीज़ ध्यान में रखना,
ये लो मैं राउटर EIGRP 100 में गया, मैं जैसे ही वेरियंस हटाता हूँ ये, अब वापिस से राउटिंग टेबल में कितने पाथ इंस्टॉल कर रखा होगा, सिर्फ आया आर टू। ये लो राउटर EIGRP 100 में जाके मैंने वेरियंस वापिस से कितना सेट कर दिया, टू। तो दोनों को ही क्या कर लेगा, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा, लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं। अब देखो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था मैक्सिमम पाथ के बारे में, कि अपनी राउटिंग टेबल में मैक्सिमम कितने पाथ इंस्टॉल करता है वो, फोर। तो यहाँ पे देखना जो IP प्रोटोकॉल में मैक्सिमम पाथ कितने हैं, बाय डिफॉल्ट फोर है ना। तो फोर पाथ के बीच में क्या कर रहा होता है, बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग कर रहा होता है। तो मैं राउटर EIGRP 100 में जाके मैंने बोल दिया मैक्सिमम पाथ कितने, वन। तो मैक्सिमम इंस्टॉल ही कितना करेगा, वन। अब वेरियंस चाहे जितना मर्जी चेंज करते रहो, इवन वेरियंस टू सेट है स्टिल देखना, क्योंकि मैंने मैक्सिमम पाथ कितना बोल दिया। और मैं राउटर EIGRP 100 में जाके मैं मैक्सिमम पाथ वापिस से कितना कर दूं, कितना बोला था इसको, वन बोला था ना, मैंने वापिस से इसको बोल दिया क्या, नो। और वेरियंस कंपोनेंट यूज हो रहा है, मैक्सिमम पाथ कितने इंस्टॉल करेगा, मतलब चार कर सकता है बाय डिफॉल्ट। अब दो ही पाथ है हमारे पास में, दोनों इंस्टॉल हो गए, बात आ गई समझ में। तो ठीक है, फिर ये था वेरियंस, कल हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफसेट लिस्ट।